Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Minecraft. तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने अपने Minecraft world में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया था. तो आज के साली वीडियो में हम लोग उस म्यूजियम के अंदर Minecraft के सभी मॉन्स्टर्स और सभी रेयर आइटम्स को लेकर आने वाले हैं. और ये टास्क सचमुच में काफी हार्ड होने वाला है. मतलब कुछ मॉन्स्टर्स तो इजिली आ जाएंगे, बाकी कुछ का तो आपको पता ही है. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई वर्ल्ड. और आज यार मैं सचमुच में काफी ज्यादा दिनों बाद वापस आया हूं अपने इस प्यारे से वर्ल्ड में. और सचमुच में वापस आके काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है. चारों तरफ मस्त प्यारी प्यारी ग्रीनरी, अपना पीछे प्यारा सा जू, अपना प्यारा सा कासल. एंड गाइस, ये है वो अपना जॉइंट म्यूजियम, जिस म्यूजियम के अंदर आज हम लोग मॉन्स्टर्स लाने वाले हैं. और उन मॉन्स्टर्स को अंदर रखने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत बढ़िया वाले केज बनाए हुए हैं. मैं आपको चल के दिखाता हूं. जो लोग ने ये वाला वीडियो देखा उन्हें पता होगा, बट ये देखो, ये काफी सारे अलग अलग रूम है और हर रूम के बीच में पार्टीशन है ग्लास का. तो इसके अंदर एक दो अलग मॉन्स्टर, इसके अंदर एक अलग. और वो देखो, एंडरमैन भाई साहब लग रहा है खुद ही आ रखे हैं पहले से कि वो मेरे को मत लाना, मैं पहले आ जा रहा हूँ. ठीक है भाई, तो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स मुझे ला के रखने हैं. इस टाइप के काफी सारे केज मैंने बनाए हैं. बट पता है एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो म्यूजियम है ना, अभी ये इनकम्प्लीट है. मतलब डेकोरेशन वाइज इनकम्प्लीट है. ये ऊपर ये ग्लास रूफ कौन बनाता है यार, मैंने ये क्यों बनाई है, वो बहुत घटिया लग रही है. मैं सारे ग्लास तोड़ के यहाँ पर सोच रहा हूँ कि ना स्टेयर्स लगाऊँ, मतलब ओक प्लैंक्स की स्टेयर लगाऊंगा जो कि बहुत अच्छी लगेगी. एंड ग्राउंड फ्लोर पर मैं डार्क ओक प्लैंक्स लगाने की सोच रहा हूँ ताकि एक इंटीरियर वाली फील आए. अभी ये जो स्टोन ब्रिक्स है ना, ये एक्सटीरियर में अच्छे लगते हैं बट इंटीरियर में बहुत बुरे लग रहे हैं. तो ये सारे चेंजेस मेरे को करने हैं. प्लस इसमें पता है एक चीज़ क्या है, अगर मैं जब ये पूरा इंटीरियर चेंज करूंगा ना, अभी तो क्या है सनलाइट आ रही है तो मॉब्स यहाँ पर स्पॉन नहीं हो रहे, बट जब मैं स्टेयर्स लगा दूंगा तो इधर सनलाइट नहीं आएगी, बहुत सारे मॉब एक्सपी फार्म बन जाएगा. तो मेरे को उस रूफ पे भी ना कुछ लाइट्स या फिर कुछ लैंटर्न्स, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ताकि जो है लाइट्स अंदर एंटर करे और मॉब्स स्पॉन ना हो, अपना ये म्यूजियम एक्सपी फार्म ना बन जाए. तो फिर ठीक है, फटाफट से जो म्यूजियम कंप्लीट करने का काम है सबसे पहले मैं वो निपटा देता हूँ. और जैसे कि मैंने बताया, मेरे को फ्लोर पर लगाने के लिए डार्क ओक प्लैंक्स चाहिए. तो मेरे पास डार्क ओक लोग बिल्कुल भी नहीं है. अभी मेरे को एक ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर मेरे को ढेर सारे डार्क ओक लोग्स मिल जाए. बाय द वे, मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में एक ऐसा बायोम है जिसमें मेरे को बहुत सारे डार्क ओक लोग्स मिल जाएंगे. तो ये जितने भी हैं मैं फटाफट से सारे के सारे माइन करके चलता हूं. अपने पास कोई सस्ती एक्स नहीं है, ये बहुत खतरनाक है. ऑलराइट गाइस, तो भी मैंने ढेर सारे डार्क ओक लोग्स इकट्ठे कर लिए हैं. मैं सोच रहा हूं थोड़े बहुत और इकट्ठे कर लेता हूं, एटलीस्ट अपने पास यहां पर 3 से 4 स्टैक हो जाएगा. मतलब 3 स्टैक पूरा भर चुका है और ये समझ लो अपना चौथा स्टैक भी यहां पर भर जाएगा. बस मुझे 6 लोग्स और लेने हैं. एंड आई थिंक इतने में कम से कम इतने प्लैंक्स तो बन जाने चाहिए कि अपना जो म्यूजियम है उसका पूरा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो जाए. लेट्स गो. बाय द वे गाइस, ये अपना अम्यूजमेंट पार्क है जो कि मैंने काफी टाइम पहले बनाया था. और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है, बट ये है बहुत प्यारा. यहाँ पे मैंने 2 गोलेम्स लगे रखे थे, ये बेचारे हमेशा इस तरीके से यहाँ पे उड़ते ही रहते हैं. ओके, तो भी फिलहाल मैं अपने म्यूजियम पे वापस आ चुका हूँ. फटाफट से यहाँ पर एक प्यारी सी लैंडिंग मारते हैं. और पता है सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि मुझे ना यहाँ पर एक एक स्टोन ब्रिक्स ऐसे बैठ कर तोड़ने पड़ेंगे पूरे जितने भी ग्राउंड फ्लोर पर है. क्योंकि गाइस, जब ये सारे के सारे स्टोन ब्रिक्स मैं यहाँ से तोड़ दूंगा उसके बाद ही मैं इधर डार्क ओक प्लैंक्स लगा पाऊंगा. अब देखो यार, ऐसे मैन्युअली धीरे धीरे करके तोड़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं लेकर आने वाला हूँ एक बीकन. बीकन से हमें ना हेस्ट इफेक्ट मिल जाएगा और उस इफेक्ट से ये चुटकियों का खेल है फिर. तो भी नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं वापस से आ गया हूँ अपने म्यूजियम में. फटाफट से यहाँ पर एक प्यारी सी लाइनिंग मारते हैं और बीकन की सारी लेयर्स बनाकर कंप्लीट करते हैं. ये जो बीकन है, इस बीकन के थ्रू हम लोग बहुत तेज माइनिंग करेंगे अगर हम सारी लेयर्स बनाते हैं तो. इसलिए फर्स्ट लेयर में टोटल 9 ब्लॉक्स जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और सेम टू सेम इस तरफ भी टोटल 9 ब्लॉक्स मेरे को लगाने हैं और टोटल 4 लेयर कंप्लीट करनी है. ओके, तो सारी की सारी लेयर्स कंप्लीट हो चुकी है. फटाफट से यहाँ पर बीकन लगा देते हैं. लेट्स गो, बीकन स्टार्ट हो चुका है. अब मेरे को इसमें से चाहिए होगा हेस्ट इफेक्ट. एंड हेस्ट इफेक्ट लेने के लिए मेरे को पहले तो एक कोई भी मेरे को इंगेट चाहिए होगा. आयरन गेट ले लेते हैं यहाँ से. आयरन गेट को मुझे डालना होगा यहाँ पर और अभी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ हेस्ट, वो भी हेस्ट 2 के साथ. तो लेट्स गो, ये मैंने ले लिया है और अभी ये मेरी पिकैक्स पर एक्टिवेट हो गया है कि नहीं. यस, ये एक्टिवेट हो चुका है. अगर अब मैं स्टोन ब्रिक्स तोड़ता हूँ तो तबाही मचने वाली है. देखो 3, 2, 1, लेट्स गो. अब बस कुछ ही सेकंड में मैं सारे के सारे ये जितने भी स्टोन ब्रिक्स हैं इनको निकाल सकता हूँ फुल स्पिन वाले आराम से. मुझे देखना होगा, मैंने थोड़ा जुगाड़ से बनाया था ना लास्ट टाइम, गड्ढे वड्ढे छोड़ दिए थे सारे, इसलिए अभी मेरे को थोड़ा बहुत संभाल के चलना होगा वरना मैं कभी भी गड्ढों में गिर सकता हूँ नीचे. एंड गाइस, ये क्या मस्त लेवल सेटिस्फेक्शन मिलती है ना इस तरीके से स्टोन ब्रिक्स या फिर किसी भी ब्लॉक को तोड़ने में. क्या प्यारा साउंड आ रहा है, ऐसा मन करता है बस ब्लॉक लगाओ और तोड़ते ही चले जाओ यार उसको. एक
सॉफ्टवेयर अपना इतना ज्यादा पावरफुल नेदरराइट का पिकैक्स, उसके ऊपर से ये हेस्ट 2 का इफेक्ट। भाई बाय द वे गाइस, इस टाइम पर ना मेरी इन्वेंट्री जो है वो पूरी फुल हो चुकी है इन स्टोन ब्रिक्स से, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास ना खाली शल्कर बॉक्स पड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं ये सारा का सारा स्टोन ब्रिक्स इस शल्कर बॉक्स के अंदर स्टोर करवा दूं। ये बाद में काम आने वाला है यार, ये वेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। लेट्स गो। तो यहाँ पर जितना भी मैंने फालतू का स्टोन ब्रिक्स छोड़ा है ना, ये सारा का सारा कलेक्ट करके मैं उस शल्कर बॉक्स में रखवाने वाला हूँ। मेरे हिसाब से तो यार ये भी पूरी की पूरी फुल हो जाएगी, इतना सारा स्टोन ब्रिक्स बचा है अभी भी। ओके, तो फाइनली मैंने सारे के सारे स्टोन ब्रिक्स शायद से तोड़ डाले। और वेट, थोड़े बहुत कहीं कहीं पर बच चुके हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओह, यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सारे ही बचे हुए हैं। तो अभी मैंने हर जगह के स्टोन ब्रिक्स हटा दिए हैं, बस ये जो नीचे बीकन लगाया था ना इसके फ्लोर के बचे हुए हैं, ये भी फटाफट से हटा देते हैं। यहाँ पर खड़े होकर मैं ऑलमोस्ट सारे मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर कूद के फटाफट से सारे के सारे यहाँ के हटा देता हूँ। ओके, तो ये वाले फ्लोर के भी सारे के सारे स्टोन ब्रिक्स मैंने हटा दिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरा बीकन है ना इसको भी तोड़ दूं, बट इससे पहले मेरा प्लान पता है क्या गाइस, ये जितना भी मैंने बनाया था ना वॉल के बॉर्डर्स, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको भी चेंज कर दिया जाए। अगर अभी मैं यहाँ पर वुड लगाऊंगा तो ये प्रॉपर एक वुडन फील हो जाएगी, बट वुड के ऊपर स्टोन ब्रिक्स मेरे हिसाब से मैच नहीं करेंगे, तो मेरे को इसे भी वुड का करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम जाएगा, फटाफट से इसको भी तोड़ डालता हूँ। बट गाइस, इसको ना थोड़ा सा स्पीड के साथ साथ पेशेंस से तोड़ना भी जरूरी है, वरना एक आध भी एक्स्ट्रा ग्लास टूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये देखो, ये दोनों खुद ही आ गए केव के अंदर। स्केलेटन एंड क्रीपर कह रहे हैं हमें पकड़ के लाने की जरूरत है, हम खुद आ जाएंगे। बाकी हाँ, मैं थोड़ी सी लग रहा है शायद ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं वहां पर सीढ़ियों से ऊपर चले जाऊंगा तो मैं ज्यादा इजीली तोड़ दूंगा इन्हें। मैं भी ना यार अपने ही काम कुछ ज्यादा हार्ड बना लेता हूँ, इतनी छोटी सी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, यहाँ से इजिली मैं तोड़ सकता हूँ इन्हें। ओ, आराम से ये टूट जाएगी। अब गाइस, तो जैसा कि मैंने कहा था ऊपर चढ़ के मैं सारे के सारे स्टोन ब्रिक्स काफी इजिली तोड़ सकता हूँ। गाइस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छे खासे म्यूजिक की पूरी बैंड बजा डाली यार इस बंदे ने 5 मिनट के अंदर, बट ऐसा नहीं है। जब इसके नीचे यहाँ पर प्लैंक्स लग जाएंगे और यहाँ पर मस्त मस्त लॉक्स लग जाएंगे तो ये बहुत प्यारा दिखने वाला है। फिलहाल अभी ये जो मैंने बीकन लगाया था ना, सबसे पहले इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है डेकोरेशन का काम। ओके, तो सारा का सारा सामान तोड़ के मैंने कलेक्ट कर लिया, बट इन्वेंट्री में स्पेस ही नहीं बचा यार बिल्कुल। फिलहाल हाँ, बीकन कलेक्ट हो चुका है, मेरा शल्कर बॉक्स मैंने पीछे ही रखा हुआ है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जितना भी स्टोन ब्रिक्स मेरी इन्वेंट्री में भरा है ना, मुझे सारा का सारा चल के वहीं रखवाना। रुक जाओ, मारना मत ये स्केलेटन को, देखो तेरी भैंस की टंग तीर कैसे मारा तूने, इधर आइयो। ले बेटा, जलता हुआ मरेगा गंदी तरह, उसको भी जला। ये ले, इसके ऐसे के तैसे ज़ॉम्बी विलेजर भी यहाँ पर आ रहा है, बट कोई नहीं तू भी जल। बाकी हाँ, ये रहा शल्कर बॉक्स, इसके अंदर रखवा देता हूँ ब्रिक्स। तो अभी मेरी प्लानिंग सबसे पहली तो ये है कि जितने भी ये लॉक्स में लेकर आया था इनको प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लूँ एंड एक क्राफ्टिंग टेबल बना लूँ ताकि मैं स्टेयर्स क्राफ्ट कर पाऊँ। तो ये रखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर, और मैक्सिमम जितनी स्टेयर्स मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ सारी मेरे को यहाँ से बनानी है। तो कुछ इस तरीके से मेरे को सारे ब्लॉक्स रखने हैं और यहाँ पर ये बन गई ढेर सारी स्टेयर्स, भर भर के लॉक्स है। पहले तो ये पूरे भर लेता हूँ, एक ही बार में 64 बनाएंगे। वेट, मैं स्टेयर्स क्यों बना रहा हूँ, मेरे को प्लैंक्स ही चाहिए। सॉरी, स्टेयर्स मुझे बाद में चाहिए होगा ओक प्लैंक्स का, जो कि मैं लगाने वाला हूँ रूफ पे। फिलहाल ये जो प्लैंक्स हैं ये तो मेरे को यहीं पर लगाने हैं ना, तो फटाफट से लगाना स्टार्ट करते हैं। बाकी गाइस, आप लोग को तो पता ही है कि हमें तोड़ने में भले ही ज्यादा टाइम लगा था, बट लगाने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है। मतलब इतना बड़ा म्यूजियम है और अभी बस इतना सा ही काम हुआ है। ये देख लो, आप कुछ पार्ट देख लो कितनी देर में होता है, फिर हम इसे पूरा का पूरा जब करने बैठेंगे तो कितना सारा टाइम लगने वाला है। फिलहाल अभी स्पीड भी मेरी काफी तेज हो चुका है, ऐसी बात नहीं। देख लो, पूरे 10-10 ब्लॉक कुछ ही सेकंड में लग रहे हैं। वेस्ट नहीं होना, नीचे नहीं लगाना, बस मेरे को ऊपर लगाना है ताकि ब्लॉक कम यूज हो और ज्यादा स्पीड के चक्कर में कभी ये हो जाता है। ओह, फाइनली कम से कम इतना एरिया कंप्लीट हो चुका है, बट अभी पूरा म्यूजियम रह रहा है। मैंने यहाँ से काम नहीं स्टार्ट कर रहा। वेट, एक काम करता हूँ, पहले अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री ना खाली करता हूँ। ये जो फालतू चीज है जिनका भी यूज नहीं है इसको मैं अंदर रखवा देता हूँ। डन। तो इस टाइम में अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री में बस ये डार्क ओक प्लैंक्स भरना चाह रहा हूँ। ये देखो, पूरी भर गई इन्वेंट्री, फटाफट इन ब्लॉक्स को यहाँ से तोड़ते हैं। अभी बस इतना ही एरिया कंप्लीट हुआ है, बट मैं साइड से काम नहीं करने वाला, सेंटर से काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहां पर ना ज्यादा ऐसे गलियां नहीं है। यहाँ पर ना बस मुझे एक ही लाइन में ब्लॉक्स लगाने हैं, फटाफट से काम कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तो इसके बाद रूफ भी है, वो भी स्टेयर्स लगानी है उसमें, कोई नहीं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दे सारा का सारा काम। यहाँ पर मैं बहुत तेज स्पीड में कर सकता हूँ, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। लेट्स गो। तो भी फुल स्पीड में काम चला और अपना आधे ज्यादा म्यूजियम कंप्लीट हो चुका है, बस बीच बीच में कहीं पर मैं कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स लगा देता हूँ तेज काम करने के चक्कर में, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ब्लॉक्स खत्म हुए, हर जगह टॉर्च प्लेस होगी, देख रहे हो इस टाइम इतनी ज्यादा स्पीड हो चुकी है, भाई मैं क्या बताऊं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, पूरे के पूरे फ्लोर पे मैंने हर जगह डार्क ओक प्लैंक्स लगा दिए, बस ये एक इतना सा एरिया बचा है। मेरे पास कुछ प्लैंक्स खत्म भी हो गए थे तो मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ, मतलब मेरे को लग रहा था उतने में हो जाएगा, बट अभी उसके बाद भी मैंने काफी सारे प्लैंक्स लाके लगा दिए हैं। ऑल डन। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है एंड फाइनली अब पूरा का पूरा फ्लोर बन गया है। अब मेरे को ना कुछ ओक लॉक्स लाने पड़ेंगे जो कि मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे, मतलब ये कुछ इस टाइप से लगेंगे ओक के लॉक्स। तो मेरे पास उसका पूरा का पूरा फार्म है, वो मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है। फटाफट अपने रॉकेट निकालते हैं, जल्दी से चलते हैं और लेकर आते हैं
जाते हैं बहुत सारे रॉकेट्स, आई मीन बहुत सारे लॉग्स। वेट, मैं पता नहीं घूम के कहां पर चला गया था, मैं भूल ही गया था कि आखिरकार मैंने अपना ये वुड का फार्म बनाया किधर है। बाकी यहाँ यहाँ पर बहुत सारी चेस्ट है, ढेर सारा ले लेते हैं यहाँ से, वैसे सारे की जरूरत नहीं है, जितना मेरे को चाहिए उतना ले लेता हूँ फिलहाल, वरना पूरी इन्वेंट्री भर जाएगी इससे भी। ओके, तो ये मैं वापस आ चुका हूँ, मेरे को क्राफ्टिंग टेबल घेरा, इस क्राफ्टिंग टेबल को रखता हूँ एक बार यहाँ पे। और मेरे वैसे क्राफ्टिंग टेबल की जरूरत क्या है, अगर मैं इस लॉक को डायरेक्ट यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगा दूँ ऊपर चढ़ के तो भी ये सही लगने वाले हैं। मतलब पहले मैं सोचा था इसे प्लैंक बना के लगाया जाए, बट ये देखो ऐसे भी ये काफी अच्छी खासी फील दे रहे हैं। एक काम करता हूँ गाइस, ये ना मैं फटाफट से चारों तरफ लगा डालता हूँ, ये बहुत ज्यादा सही लगने वाले हैं, मतलब एकदम अलग ही लुक आने वाले इसको लगाने के बाद। तो जितने भी ये जो एम्प्टी एरिया है ना, बस मेरे को इन्हें यहीं पर लगाना है कुछ इस टाइप से ऊपर कूदते कूदते। मुझे नीचे जाकर ये प्लैंक्स लगाने हैं, बट मैं सोच रहा हूँ अगर मैं नीचे कूदूंगा तो क्रीपर ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा ना। एक सेकंड रुक जाओ, खेल खत्म कर दूं ना। ओ मेरे पास तीर नहीं है यार, देख ऐसे मत कर भाई, मेरे को काम करने दे, पंगे मत लियो। मैं ट्राई करूँ नीचे जाने का, पता लगा ये एंग्री हो जाए। चल बे, क्या एंग्री हो गए, नॉक बैक ओपी। ओए तू तू साइड है, तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। तू क्या करने आए, अभी तेरे को पूरा जिंदगी भर के लिए इसी में बंद कर दूंगा नेम टैग लगा के। अच्छा खासा काम कर रहा होता हूँ यार, ये पूरा आपका पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं आके। काम करते करते रात हो चुकी है, बट फाइनली अपना काम ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीट हो गया है, बस एक दो जगह और रह गई होंगी और भी शायद गलती से रह गई होंगी। मतलब मेरे को जितनी नजर आ रही है मैंने उन सब एरिया में ये जो प्लैंक्स हैं लगा दिए हैं। फिलहाल अभी हम लोग एक बार यहाँ से बाहर निकलते हैं। इन प्लैंक्स को मेरा मतलब प्लान क्या है, इसको ना ऐसे करके भी लगाया जाए, ये और मस्त लगने वाले हैं। बट हाँ, पहले जितने लगाए हैं उन सभी को चल के ना मैं स्ट्रिप कर देता हूँ, और अभी शायद मेरे को सोने जाना चाहिए क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो फटाफट से एक बार इन्हें स्ट्रिप करके देखता हूँ कि आखिरकार ये दिखने कैसे वाले हैं। मान के चलो अगर एक फ्रेम हम लोग कुछ इस तरीके से पूरा वुड का कवर करें तो ये बहुत सही लगने वाला है। बट वेट, अगर मैं इसको भी नीचे इस तरीके से कर दूं तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ी सी देर और लगेगी। भाई ये भी कर देते हैं, वेट ये वाला तो लगेगा ऐसे, बट आगे के जो ब्लॉक्स हैं ये कुछ इसी तरीके से लगने वाले हैं, इनको भी स्ट्रिप करके देखते हैं। एक फ्रेम अगर अच्छा लगा तो मैं पूरे के पूरे फ्रेम को कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूं। तो यहां पर ये ऊपर का रह गया था, ये भी कंप्लीट कर देता हूं। 1, 2 and 3 लेट्स गो। अब इसको फटाफट से पूरे का पूरा स्ट्रिप करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कैसी लुक आने वाली है यहां पर पूरे के पूरे एरिया की। तो यार ये टॉर्च हटाओ पहले, तो मेरे हाथ में रहते कहीं पर भी प्लेस होती रहेगी। अब दूर चल के देखते हैं। हाँ फिलहाल झूठ नहीं बोलूंगा, ये फ्रेम सचमुच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, बट एक चीज बुरी लग रही है, वो है इसके अंदर का एरिया। मतलब ये काफी ज्यादा सिंपल, बस एक सैंड भरी हुई है और दूसरी साइड ग्लास होने की वजह से ना हम इसीलिए रात में काम नहीं करना चाहिए, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जैसे अगर हमने एक साइड ग्लास लगा रखा है ठीक है, बट दूसरी साइड ग्लास होने की वजह से ना अच्छे से लुक नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि ग्लास की जगह कोई और नए ब्लॉक्स लगा दूँ। फिलहाल मेरे पास अच्छा है कि बहुत सारे प्लैंक्स पड़े हैं तो मैं यहाँ पर इसे रिपेयर कर सकता हूँ। बट भाई कितने बदतमीज होते हैं क्रीपर, ये यहाँ पर लगेगा और भाई वेट दो तोड़ के गए पर मेरे को मिला एक है, नाइस। फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं सोने, इसकी भैंस की मिल गया। इधर आओ इधर आओ इधर इधर, तेरे भाई ने कल आया था वो म्यूजियम गिर ले, दूर चल, इधर आ इधर इधर निकल यहाँ से, माँ खरा और पूरी गैंग आ रही है। वापस चलते हैं सोने के लिए और फैंटम की आवाज़ें, हाँ और कोई अगर फिटना चाह रहा है बता दो। ओके फैंटम मुझे मिल गया, आज मैं फुल लड़ने के मूड में, आ जा बेटा उड़ उड़ के मारूंगा। हाँ हाँ तो मैं फुल लड़ने के मूड में भी, फैंटम अपनी बैंड बजवाने के लिए जिंदा हुआ है ना। इधर इधर दो ये ले, फिर दूसरा कहाँ है, आ जाओ सर, आ जाओ। मैं खुद एक फैंटम बना पड़ा हूँ खतरनाक वाला, ये मेरे से भिड़ने आ रहे हैं। आ जा। तो अभी आ रहा है फैंटम, इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। ओह इसने मेरे को मारा है, मैंने इसको मारा है, पता ही नहीं चला। वैसे नहीं इसी ने मारा, अगर मैंने मारा होता तो बेचारा ये जल रहा होता जैसे अभी जल रहा है। फिलहाल ये टाइम पास है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके तो मैं आ चुका हूँ सोने के लिए, फटाफट से सोते हैं। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है, वापस से चलते हैं काम पे भाई। यही तो वेट, ये कैसे गुड मॉर्निंग, ये दिन तो हुआ ही नहीं। एक मिनट, ये मैं उठ कैसे गया, नियर बाय कोई मॉन्स्टर था शायद, मैं इसलिए उठ गया, मैंने पढ़ा भी नहीं मैसेज। वेट मैं अगर अभी दोबारा सोऊं तो गुड मॉर्निंग, शायद से अभी असली वाला दिन हो गया है ना। अरे ये दिन क्यों नहीं हो रहा, मेरा प्लेस सोकर उठ जाता है, दिन ही नहीं होता भाई, ये क्या सीन है। मैं यहाँ पर दोबारा से सोने आया हूँ, दोबारा से सोकर उठ चुका हूँ, एक बारी बाहर चल के देखता हूँ। अबे ये क्या क्लिच हो गया, वेट भैंस की टंग बैठ तोड़ो, मैं कहीं और जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा आज के बाद यहाँ पे। तो अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा अपनी गोल्डन मेंशन पे सोने के लिए, देखते हैं कि वहां पर मैं सो पाता हूँ या फिर पता नहीं ये ग्लिच हो गया क्या हो गया, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ अभी। लेट्स गो, एंट्री हो चुकी है, फटाफट यहाँ पर सोकर देखते हैं
प्लीज तीन हो चाहिए यार। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी मैंने ना एक बेड भी कलेक्ट कर लिया है, उस बेड को वहीं पर लगा लेंगे ताकि मुझे बार बार वापस ना आना पड़े। फिलहाल अपना ये जो म्यूजियम है ना, ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट होने वाला है। हमने फ्लोर करना था, फ्लोर कर दिया है। साइड की जो बाउंड्री थी वो भी ऑलमोस्ट पूरी कर दिया है। बस अब मेरे को इसे बैठ के स्ट्रिप करना है और उसके बाद रूफ करनी है और यहाँ पर थोड़ी सी सजावट और करनी है, फिर उसके बाद मॉब्स को लेकर आना है और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। बट हाँ, उससे पहले मैं सभी लॉक्स को स्ट्रिप कर देता हूँ। ये भी एक काफी ज्यादा मस्त काम है, अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखो जैसे प्यार से कलर चेंज कर रहा है इसको, या पता नहीं सहर को ये समझ पा रहा है फील या फिर नहीं। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने अपनी म्यूजियम के इंटीरियर को काफी ठीक ठाक कंप्लीट कर दिया है। चारों तरफ मैंने ये मस्त स्ट्रिप्ड ऑक लॉक्स लगा दिए हैं, प्लस इनकी बैक साइड पे मैंने स्ट्रिप्ड स्प्रूस ऑक लॉक्स लगाए हैं ताकि अच्छी खासी विजिबिलिटी आए। मतलब जब पहले यहाँ पर ग्लास थे ना तो इस साइड से देखने में आर पार का दिख रहा था, फिर जब मैं मॉन्स्टर इनके अंदर ला के रखता तो वो सही से फोकस नहीं होते। बट अभी सारे फ्रेम एकदम मस्त हो चुके हैं। मैं अंदर की थोड़ी बहुत वाइब चेंज करूंगा, बट वो तब करेंगे जब मैं इसके अंदर एक बारी मॉन्स्टर ले आऊंगा। फिलहाल अभी मैं ढेर सारे कारपेट लाया हूं क्योंकि इंटीरियर में कुछ ऐसे इस टाइप के कारपेट होंगे तो काफी ज्यादा मस्त रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ही मैं इसे पूरा चारों तरफ कवर करने वाला हूं। वेट, मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूं। इसके बाद जो लुक आएगी ना वो कुछ ऐसे अपने वुडलैंड मेंशन नहीं होता जहां पर विंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, कुछ उस टाइप के मेंशन जैसा इंटीरियर होने वाला है अपने इस वुड के म्यूजियम का। और साथ ही मैं बहुत सारे स्टेयर्स लाया हूं, ये जो ऊपर ग्लास है ना इन सभी को तोड़ के मुझे ये स्टेयर्स लगानी है। बट हाँ, उससे पहले फटाफट से इस म्यूजियम के इंटीरियर में मैं ढेर सारे कारपेट लगा देता हूँ। वैसे यार, ये जो रेड कारपेट है ये बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं इस व्हाइट कारपेट की कॉम्बिनेशन के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस रेड कारपेट को ना मैं यहाँ पर भी लगा दूँ और उसके बाद यहाँ के अगर मैं दो कारपेट तोड़ दूँ कुछ इस तरीके से, और फिर इस रेड वाले कारपेट को अगर मैं यहाँ पर भी कंटिन्यू कर दूँ और इससे लगे कनेक्ट कर दूँ, तो ये ऐसे लगे कि जैसे बीच से एक रास्ता जा रहा है। और वैसे शायद बराबर नहीं है तो यहाँ पर को बराबर करने के लिए एक और लगाना होगा। और इस वाइट वाले को मैं इसका बॉर्डर बनाकर इस तरीके से कर दूंगा और इसे चारों तरफ कर देंगे तो सचमुच में बहुत ज्यादा मस्त लगने वाला है। वेट, ये कनेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से करते हैं, लेट्स गो। तो ये जो इस टाइप का डिजाइन है ना, ये मेरे को चारों तरफ करना है इस पूरे के पूरे म्यूजियम के। और बीच में मैं कुछ रेयर आइटम रखने वाला हूँ, जैसे कि ड्रैगन एग, बीकन और ड्रैगन हेड और भी जितने रेयर आइटम्स होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर मेरे को एक अच्छा खासा स्पेस बनाना है। फिलहाल अभी छत पे चलते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली अपने म्यूजियम का इंटीरियर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और एक बारी ना मैं आपको इसकी रूफ पे चल के इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ, जो कि सचमुच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो, अब मेरा सचमुच में मन नहीं कर रहा कि मैं सभी ग्लास को तोड़कर यहाँ से हटा दूँ। बट हाँ, जब मैं इसके ऊपर वुड लगाऊंगा ना तो और भी ज़्यादा अच्छी फील आने वाली है। तो मेरे पास ये जो हो है इसमें सिल्क टच लगा हुआ है, तो फटाफट से मैं ढेर सारे जितने भी ग्लास हैं इसको तोड़ डालता हूँ। उसके बाद ना मैं जो वुड है इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाने वाला हूँ। मतलब चारों तरफ से इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, बट जब हम लोग कवर कर देंगे तो फिर बहुत अच्छी फील आने वाली है, क्योंकि म्यूजियम के अंदर ना लाइटनिंग बहुत अच्छी हो रही है। हर तरफ मैंने लैंटर्न्स लगाई हैं, तो एक नेचुरल लाइट और एक इंटीरियर लाइट में बहुत डिफरेंस होता है। तो फिर जब उसकी फील आएगी तो वो सचमुच में बहुत नेक्स्ट लेवल होगी। फिलहाल मेरे पास बहुत सारे स्टेयर्स हैं, फटाफट से सारे के सारे ग्लास तोड़ के मैं उसे यहाँ पे लगाता हूँ। तो गाइस, अभी ना मैं कुछ टीएनटी अपने साथ लेकर आ चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर ना सचमुच में बहुत सारे ग्लास हैं, और अगर मैं इस तरीके से तोड़ता रहूंगा एक एक करके तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो मुझे कितना टाइम लग जाएगा। ये इतनी ज्यादा स्लो है ना कि एक ग्लास टूटने में बहुत टाइम लग रहा है, बट अगर हम लोग टीएनटी से फोड़ेंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। मुझे बस टीएनटी को यहाँ पे रखना है और इसके ऊपर मस्त एकदम अपनी एरो मारनी है, और ये अकेला ही बहुत सारे टीएनटी कह रहा हूँ ग्लासेस एक ही बार में फोड़ डालेगा, और अपना कोई नुकसान भी नहीं होगा अगर टीएनटी नीचे ना जाए तो। वैसे अगर एक एक करके फोड़ूंगा तो टीएनटी नीचे नहीं जाने वाले, तो फटाफट से इसको भी ब्लास्ट करते हैं और जल्दी से सारे के सारे मैं टीएनटी यहाँ पर खत्म करता हूँ। मैं नीचे कैसे आ गया? ओके, एक बार पहले तो वापस ऊपर चलते हैं और दोबारा से यहाँ पर टीएनटी प्लांट करके सारे के सारे ग्लास तोड़ना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके टीएनटी फोड़ने में यार ज्यादा मजा नहीं आ रहा, थोड़े थोड़े गैप में ना खूब सारे टीएनटी लगाता हूं और सबको एक साथ आग लगा दूंगा। बस मुझे डर इस चीज का है कि एक भी टीएनटी नीचे नहीं जाना चाहिए, भाई सच में बहुत नुकसान हो जाएगा, सीधा बहुत सारे कारपेट, बहुत सारा वुड, सब कुछ टूट सकता है। मैंने बाकी बहुत सारे टीएनटी में आग लगा दी, और प्लीज नीचे मत जाना कोई भी, जिस हिसाब से मैंने रखे हैं कोई भी नीचे नहीं गया, और धड़े ही धड़े यहाँ पर बहुत सारे ग्लास टूट गए। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने अपने म्यूजियम का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक बार फटाफट से ना मैं चल के आपको इसका एक प्यारा सा टूर करा देता हूं। तो ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री पहले बहुत सिंपल सी थी, बट अभी मैंने यहाँ पर दो बहुत ज्यादा हैवी गेट्स बना दिए हैं जो कि सचमुच में बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। मतलब छोटे से हैं बट इनके लुक कुछ
कुछ ऐसे हैं जैसे बहुत ज्यादा हैवी वेट हो, और इन्हीं को देख के यहाँ पर मैंने दो बड़े दरवाजे बनाए हैं। हाँ वो पता लगे दरवाजे खुलेंगे नहीं, बट लुक्स के लिए ये बहुत मस्त है। और अभी आप लोग सोच रहे हो कि इतनी रात में भी यहाँ पर इतनी मस्त लाइट क्यों थी, उसके पीछे का रीजन है ये, मैंने इसके नीचे ग्लो स्टोन छुपा रखे हैं कहीं कहीं पर, जैसे दो यहाँ लगा दिए, एक इधर भी ग्लो स्टोन मैंने लगा रखा है और ऊपर भी ग्लो स्टोन है, तो चारों तरफ मस्त रोशनी हो रखी है। और इस म्यूजियम के अंदर तो भाई साहब पूछो मत, कहीं पर भी लाइट की कमी नहीं है। एंट्री करते ही आपको सामने प्यारा सा एक बड़ा सा शैंडलियर दिखेगा, जिसपे मैंने बहुत सारी मस्त मस्त लैंटर्न्स हैंग कर रखी है, और कुछ इसी टाइप के बहुत सारे शैंडलियर्स मैंने हर जगह लगाए हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ उनसे थोड़े छोटे हैं, और कुछ एकदम छोटे छोटे से हैं। मतलब यार लाइट्स की कमी दूर करना अपने इस म्यूजियम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना इधर उधर कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन हो गया या क्रीपर स्पॉन हो गया और वो ब्लास्ट हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो बीच में एरिया मैंने बनाया ना, यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ एक बीकन, लेफ्ट साइड में रखने वाला हूँ ड्रैगन हेड, और इस तरफ रखने वाला हूँ ड्रैगन एग, और जो बाकी ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर मैं पूरा इसे अच्छे से सजाने वाला हूँ अलग अलग आइटम्स रख के। जैसे यहाँ पर मैंने आइटम फ्रेम बनाया ना, कुछ इसी टाइप से इधर भी ऊपर मैं बनाऊंगा, जिसमें सारी रेयर रेयर आइटम्स लाकर हम लोग लगाने वाले हैं माइनक्राफ्ट की। फिलहाल अभी सबसे पहले तो मुझे इन सभी शेल्स को पूरा का पूरा भरना है यहाँ पर अलग अलग मॉन्स्टर्स लाकर। तो माइनक्राफ्ट में मॉन्स्टर्स बहुत सारे हैं, फटाफट से चलते हैं सबको लेने के लिए। कुछ कुछ आसानी से आ जाएंगे, बट कुछ कुछ खुलाने में बैंड बजने वाली है। लेट्स गो। तो अभी म्यूजियम कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से चल के बाकी सारा काम भी कंप्लीट करते हैं। well, तो अभी मैंने सभी मॉन्स्टर्स को कैप्चर करने के लिए ढेर सारा सामान अपनी इन्वेंट्री में इकट्ठा कर लिया है। जैसे कि मेरे पास बहुत सारी बोट है जिसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर बैठ जाएगा, और साथ में मेरे पास कुछ रेल पावर रेल है जिसके ऊपर मैं माइनकार्ट रखकर किसी को भी बैठाकर अपने म्यूजियम तक ला सकता हूं, और बहुत सारी रेडस्टोन टॉर्चेस हैं जिससे कि मैं उन रेल को बहुत तेज स्पीड में चला पाऊंगा। फिलहाल कुछ ही देर में रात होने वाली है और मॉन्स्टर्स यहां पर स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट उनको कैप्चर करने से पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो काम ये है कि मुझे लाइब्रेरी से चाहिए होंगे कुछ नेम टैग। मान लो जैसे वो स्केलेटन इधर खड़े हुए हैं, अगर मैं इन स्केलेटन्स को पकड़कर अपने म्यूजियम में ले जाता हूं तो हो सकता है कि ये कुछ देर बाद डिस्पॉन हो जाए यानी गायब हो जाए, बट अगर मैं इन्हें नेम टैग दूंगा, इनका कोई नाम रख दूंगा, तो ये परमानेंटली वहीं पर रहने वाले हैं। तो फटाफट से चल के नेम टैग ट्रेड करते हैं विलेजर से। ठीक है, तो मुझे काफी सारे नेम टैग मिल चुके हैं, मुझे ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ऑलरेडी काफी सारे नेम टैग मैंने पहले से वहां पर ट्रेड करके चेस्ट में रखे हुए थे। फिलहाल हाँ मुझे अभी ना इन नेम टैग को यहाँ पर रखना है, और मैं इस नेम टैग का नाम रखने वाला हूँ म्यूजियम। मतलब जितने भी मॉब म्यूजियम में रहने वाले हैं तो उनके लिए ये पूरा नेम टैग, तो फटाफट से म्यूजियम का नेम टैग ले लेते हैं। अब फटाफट से जो भी मेरे को मॉन्स्टर मिलेगा और उसे मेरे को लेकर जाना है अपने म्यूजियम में, और उसको वाला नेम टैग देना है। बाकी यार देखो सभी मॉन्स्टर्स को लाने के ना बहुत अलग अलग तरीके हैं। मेरा प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पर विदर वार्डन सबको लेकर आए, बट इनको लाना थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए स्टार्टिंग में करने वाला हूँ कुछ बेसिक मॉब से जो कि बहुत ईजिली मेरे साथ साथ आ जाएंगे, जैसे कि ज़ॉम्बी, स्केलेटन, क्रीपर, बहुत सारे हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सा चलते हैं किसी दूसरी जगह पर जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अंधेरा हो। वो देखो अपना पहला शिकार मिल चुका है। हेलो स्केली, आ जा यार मेरे पीछे पीछे, म्यूजियम का पहला मेहमान देख ले तू ही। ओए ऐसे ही करवा रहे इनॉग्रेशन, जल्दी आ जा, आ जा, रस्सी काट। फिलहाल मेरे को यहाँ पर एक स्पाइडर भी मिल चुकी है। हेलो स्पाइडर, तू भी आ जा। अरे इधर इग्नोर मार रहे हैं लोग। भाई साहब इतना लग्जरी म्यूजियम है, इसके अंदर बंदे आने के लिए तरसते हैं, लेकिन इनको देखो भाई कितनी, एक सेकंड आ गए चुपचाप से। और स्पाइडर को यार देख, तेरी शक्ल थोड़ी सी गंदी है, तो यहाँ पर तो मैं तेरे को नहीं रखूंगा, इसको किसी कोने वाली साइड में लेकर चलते हैं। इसको फ्रंट में नहीं रखना चाह रहा, इधर आ जा तू, इधर आ जा, इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं। एक ग्लास में तोड़ लेता हूँ। अरे मारियो मत, आ जा आराम से, आ जा प्यार से। अरे यार बिल्कुल पागल है, इधर से आ। आई 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 लगी बस। अरे अंदर हो, चल ओके प्लीज। ये ट्रैप हो चुकी है बहुत ईजिली, अब मेरे को इसे नेम टैग देना था, बस एक बार नीचे आ जा। रुक जा, वैसे मेरे को ना ये ले, नेम टैग हो गया, अभी कभी डिस्पॉन नहीं होगी। मैं फटाफट से इसे पूरा का पूरा कवर कर देता हूँ। तो अपनी पहली मेहमान आई है स्पाइडर, तो जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, अपना फर्स्ट मॉब हमने कैप्चर कर लिया है। इस तरीके से मुझे बहुत सारे लेकर आने हैं, और मैं ट्राई करूंगा वैरायटीज हो, जरूरी नहीं है मतलब एक ही स्पाइडर हो, मैं जो दूसरी वाली स्पाइडर होती है ना माइनशाफ्ट में, वो भी अभी लेकर आने वाला हूँ, उसको भी इसी में भरेंगे। बाकी हाँ मुझे मालूम है आप लोग को ये थोड़े प्लेन से लग रहे होंगे सारे एरिया, बट वेट करो मैं सब कुछ डेकोरेट करने वाला हूँ। मतलब जैसे जहाँ पर स्पाइडर है वहाँ पर हम लोग मकड़ी के जाले कॉबवेब वगैरह लगा देंगे, बट अभी के लिए पहले मॉन्स्टर लाते हैं, डेकोरेशन चलते रहेगी। फिलहाल सामने बहुत सारे स्केलेटन स्पॉन हो चुके हैं, और एक स्पाइडर हो रहा है, ये दोबारा नहीं आएगी। बाकी एक स्केलेटन मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आओ भाई साहब, शील्ड नहीं है मेरे पास, इतना मत मार। एक हाथ में ना मैं वेट बो रख लेता हूं, ताकि किसी से अगर मेरे को दिक्कत आए ना तो उसके मैं बजा डालूं। आ जाओ सर अंदर। अरे थॉर्न्स लगा हुआ, मर जाएगा यार, स्केलेटन का मूवमेंट स्टाइल बहुत बुरा होता है। हेलो इधर सर, इधर आ जाओ। हां ठीक है, मैं इसके लिए रास्ता खोल देता हूं। स्केलेटन थोड़े से गुड लुकिंग मॉब है, तो इसको ना यहां पर लेकर चलते हैं, जगह मस्त है। इधर सर अंदर आ जाओ, आ जाओ बस इसको तो अंदर लाना है, नेम टैग देके ग्लास लगा के भर जाना है। मैं पागल है क्या? अंदर आ जाओ, अरे मेरा भाई
बहुत सही तरीके से बात मान रहा है। वापस बाहर मत जाइयो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ये कर, अरे अरे इसको पता चल गया था कि मैं बंद करने वाला हूँ, बेचारा भाग के आया था बहुत तेज। तेरा दोस्त लावा, टेंशन मत कर, परेशान हो गया बेचारा। दो मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो गए हैं, बारी है ज़ॉम्बी एंड क्रीपर की। और क्रीपर नहीं यार, क्रीपर तो भाई रुक जाओ, क्रीपर के लिए थोड़ी लंबी प्लानिंग चलेगी, मतलब मैं चाहता नहीं वो ब्लास्ट हो जाए। बाकी ये फैंटम्स, अरे 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 आ जाओ, तुम्हें तो भाई तुमने मजे बांध दिए इन्होंने तो भाई, इसको ये लगी, मेरे को थोंच उतार देना चाहिए वरना ये लोग मर जाएंगे। वेट, मैं अगर इसको, यार जगह भी नहीं इन्वेंटरी में। फैंटम बैठता है बोट पे, अगर मैं बोट को यहाँ रख दूँ तो शायद मैं फैंटम को बैठा पाऊंगा। बट वेट, इस बोट को अगर मैं ट्राई करूँ थोड़ा सा ऊपर रखूँ तो शायद ज़्यादा चांसेस है फैंटम के आने के। यहाँ पर ये बोट रख देता हूँ। हेलो फैंटम, इधर बैठा हूँ मैं, इधर आ जाओ। सही है यार, अच्छा है, मैं काफ़ी दिन से सोया नहीं था, मैं इजीली फैंटम को पकड़ सकता हूँ। मैं बाहर आ चुका हूँ, एक बोट यहाँ पर रख देता हूँ, और अगर अभी फैंटम मेरे को मारने आया, ओ आ गया, लेट्स गो। एक फैंटम मैंने कैच कर लिया है, और दो नहीं करने थे यार, मेरे को एक ही फैंटम कैच करना था थोड़ी देर यहाँ पर। अरे 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 सर, चलो तुम आ जाओ, इसको लेकर चलते हैं, इसको बहुत तेजी मची है ना। चलो बेटा, तुम ज़ॉम्बी को तो मैं यहीं बैठा हूँ। अरे नहीं, इधर तो स्केलेटन था, सॉरी, ज़ॉम्बी को लेकर चलते हैं सामने वाले में, वो ज़्यादा मस्त है, ठीक है? मेरे को दो आ रहे हैं क्या? एक ही है, चलो, ये छोटे वाले से बाहर निकल जाएगा, वैसे तुमको ध्यान रखना है। आ जा अंदर, बाय ब्रो, अभी बैठे रहे थोड़ी देर, तेरे बड़े भाई को भी लेकर आता हूँ। वेट, इसको मेरे को नेम टैग देना है। सर, रुको, ये लो, ये इधर, ओ भाई, ओए मत कर, इधर आ यार, इसको नेम टैग देना चाह रहा हूँ। मिट्टी वाला ग्लास तोड़ के, अरे बाहर आ गया भाई, बहुत बदतमीज है। वेट, यहाँ से क्यों नहीं आ रहा था? फिर वाला तो मैंने तोड़ा हुआ था पहले ही, मेरे को पता नहीं था आधे से निकल आएगा। चल वापस अंदर, चल, अलग ही नू बड़ा भाई, ये खुद ही चला गया भग के। ठीक है, अपने पास तीन वैरायटी के मॉन्स्टर्स हो चुके हैं, और अभी मेरे को फैंटम लेकर आना है, बट फैंटम दोनों एक ही बोट में बैठ गए। क्या मैं लीड से फैंटम, नहीं ये पॉकेट एडिशन नहीं है। हेलो फैंटम, देखो यार दिन हो जाएगा और तुम जलने लग जाओगे, इसलिए एक काम करो, चुपचाप से मैं तुम्हारी बोट को घसीट के ले जाना। अरे मार क्यों रहे हो? गाइस वेट, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर दो फैंटम और आ चुके हैं, मेरे पास बोट पड़े, तेरे को समझ नहीं आ रही ना? तेरे को मैं अंदर ले जा चुका हूँ, समझ, ले जा चुका हूँ, अभी वापस नहीं ले जाना। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पर दो फैंटम और आ चुके हैं, मुझे इनको भी अंदर लेकर जाना है, बट मैं चाह रहा हूँ ये इस बोट पर आकर बैठ जाए। आ जा, ये रही, नीचे आ जाओ यार। वेट, मैं इस बोट को ना थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ आराम से, ताकि ये इजीली आकर बैठे। ये वाली बोट मैं रखवा देता हूँ यहाँ पर, और ये जितना मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, इनको उतना ही डैमेज मिल रहा है। आराम से आओ। आई थिंक इस पारी में एक ना एक फैंटम को कैच कर सकता हूँ। ये रहा, मार दे, आ गया, लेट्स गो, इसको, अरे मारा, आराम से, आई लग रही है, मत मारे यार, बहुत तेज लग रही है। वेट, पहले तो मुझे बोट से उतरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बूट एंड हेलमेट पे थॉर्न्स लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है मेरे को मारेगा और इसी को डैमेज मिलेगा, नूबड़ा कहीं का। वेट, पहले मैं फूड खा लेता हूँ यार, इन्होंने अलग ही बैंड बजवा रखी है अपनी। बाकी दोबारा से बैठ के, आई लग रही है ये, यार ये गलत बात है, ये इसके ऊपर क्यों नहीं जा रही? छी, अभी मुझे ये कारपेट हटाने पड़ेंगे क्या? इसके अलावा शायद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, तो फटाफट से इसको मैं हटाता हूँ और आगे तक का रास्ता बनाते हैं। भाई मैं इनको ज़्यादा दूर लेकर नहीं जाने वाला, तो अभी फिलहाल के लिए मेरे को इनको इसी के अंदर बंद करना है, बट अंदर ले जाने के लिए मुझे ये भी तो तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो वो अंदर जाएगा। ओके, तो इतने ब्लॉक्स मैंने तोड़ दिए हैं, प्लीज़ यार चुपचाप अंदर चल ले, मेरे को मार मत, इतना बहुत बुरा लग रहा है। अभी भी बोट अंदर नहीं जा रही, मुझे ये भी तोड़ना पड़ेगा, वैसे बाद में भी तोड़ना पड़ता, अभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मुझे बोट के थ्रू ही लेकर आना है। चलो कोई नहीं, अभी लेकर चलता हूँ। मेरे पास एक आइडिया हो रहा है कि मैं इस बोट को ना माइनकार्ट पर चढ़ा लूँ और मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। डन, तो यहाँ पर मैंने ये सारा स्पेस बना लिया है, अभी मैं इस फैंटम को इजीली अंदर लेकर आ सकता हूँ। मेरे को मार मत दियो प्लीज, मेरे तीन ही हार्ट्स बचे हैं, मैं मार डालेगा ये तो। मैं पहले फूड खा लेता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ से निकालूंगा, मतलब अभी मैं इसको छोड़ने नहीं वाला हूँ, पहले रास्ता बंद करेंगे। इतनी मुश्किल से मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं चाहता नहीं हुई आसानी से एस्केप कर जाए। अब तो पहले तो यहाँ का करते हैं रास्ता बंद, उसके बाद यहाँ पर मैं एक ग्लास लगा देता हूँ, शायद ये एक ब्लॉक में तो एस्केप ना कर पाए, बट फिर भी ओके। तो बस अब इसको नेम टैग देते हैं, अपना काम हो गया, फटाफट मुझे यहाँ से निकलना है। बाकी भी पता है, एक अभी बाहर आ जाता, वैसे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना सैंड खत्म हो गया है, और यहाँ की मैंने सैंड उठाई थी, पता नहीं सैंड गई कहाँ, तोड़ के यहीं पर रखी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बाकी ठीक है, एक मॉन्स्टर आ चुका, और फैंटम सच में बहुत प्यारा लग रहा है, बस पता नहीं क्यों ये ऊपर की दीवार चाटने में लगा हुआ है पता नहीं क्या मजा आ रहा है इसको। बाकी ठीक है, और मॉन्स्टर्स लेकर आते हैं, और इसको लाते लाते दिन हो गया। अच्छी यार, यहाँ पर दो मॉन्स्टर्स मैंने और रखे थे, वो भी मर चुके हैं। तो देखो गाइस, अभी ना अगला दिन हो चुका है, और दिन के टाइम पे कोई भी मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होने वाले, बट
कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो कि दिन के टाइम पे भी आते हैं, जो कि हैं पिलेजर्स। तो मुझे इस टाइम पर जाना होगा पिलेजर आउटपोस्ट पे, वहाँ पे जाके अटैक करना है ताकि वो हमारे इस विलेज पे रेड करें, और रेड के बहाने मैं उन्हें अपने म्यूजियम में ले जाऊँ। ये काफ़ी अच्छा प्लान है। एक ही बार में बहुत सारे मॉब्स, विंडिकेटर, वैक्स, रेवेजर, विच, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हम लोग ले आएंगे। ओके, तो रिसेंटली मैंने ये एक न्यू आउटपोस्ट एक्सप्लोर करी थी और अभी मैं इसी पर आ चुका हूँ। यहाँ के विलेजर्स के हेड को पीटने, मैं सबको नहीं मारना चाहता, बस जिसके सर पे बैनर है मुझे उसी को मार के रेड करवानी। और यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं आज। ओए वेट, मैंने चेस्ट प्लेट भी नहीं पहनी हुई, एक सेकंड होल्ड कर लो भाई। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कम से कम 20 पिलेजर्स बैठे हुए आराम से। ओ नहीं 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 नहीं, पानी की बाल्टी दो भाई, इनको लावा से जला। ओ भाई यहाँ पर दो और है, मैं गलत जगह आ गया हूँ किसी। तो वेट वेट, तुम अंदर नहीं आ पाओगे, जाओ। अभी बारी खड़े रहने वाले हैं, पहले मैं काम करता हूँ। मतलब पानी लाओ, लावा है लावा। अगर मैं यहाँ से भागूंगा ना तो ये घूम के आ जाएंगे। अरे यार ये मारने वाले हैं। हाँ ऊपर चलता हूँ ऊपर प्लीज। अरे 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 सर 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 सर, ये लो इसी बात पे। ओ इनका निशाना बहुत अच्छा होता है, ये स्केलेटन्स की तरह नहीं होते कि आराम से बैठ के आराम से मारे। बाकी यहाँ पर तो कुछ है निकाल सकते, तू निकल यहाँ से। नहीं चल, किससे किससे मुझके ऊपर है। ओह वेट, ठीक है वहाँ पर लावा पड़ा हुआ है, मुझे फटाफट से जाना है वहाँ से लावा लेकर आना है। और इस बकेट में मैं पानी काम करता हूँ, पहले तो पानी भी काम की चीज है, तो पहले इसको यहाँ पर डालते हैं। मेरे पास इलाइट्रा मैंने पहना हुआ है, फटाफट से चलता हूँ यहाँ पर। ओ लावा में डुबकी ही ना लग जाए, ये लेना मेरे को। वापस से जाना है अभी ऊपर, अंदर घूम के चलेंगे। और अब इनकी मैं बैंड बजाने वाला हूँ। हाँ हाँ जी हाँ जी, कहाँ कहाँ पर हो, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, ये लो। अभी इनको, अभी इनके मजे आने वाले हैं असली। लावा जाने दो नीचे। भाई क्या गलत बैंड बजेगी, सारे के सारे बहुत ज्यादा बुरी तरह जलने वाले। देख रहे कैसे खड़े हुए सब लोग नीचे मेरे को मारने। हटा दो सारे फैंस हटा दो भाई, आराम से खड़े होके नजारा देखना। अरे आओ जलो जलो इससे। ओए भागो भागो, ओ भाई साहब नीचे गिरा दिया भाई, पता नहीं किसने मारा मेरे को भाई, बदतमीज़ है भाई लोग विलेजर। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं वापस आ चुका हूँ। देखो पानी तो पानी पानी, या इसीलिए तो मैंने रखा था ताकि मैं आगे बुझ जाऊँ इसी से। तुम्हारी बैंड बजा दूंगा नीचे, हटना जरा। तीर कमान निकालो जरा, तीर कमान कहाँ पर। ओहो हो वाह, ये रे बहुत सारे, अब जलेंगे ये लोग, मेरे को देख के आ रहे हैं ना इधर। अरे यार भाई मैंने कसम से किसी भी पिलेजर आउटपोस्ट में इतने सारे पिलेजर्स नहीं देखे। और अभी पता है दिक्कत क्या है, मैं इनमें से सबको भी मार दूं ना तब भी पिलेजर ये लोग मेरे पे रेड नहीं करने वाले। उसको देखो भाई, इसको क्या हो गया भाई, किस गम में है। वेट अभी गायब भी हो क्या। मुझे इनके पास हेड से मिलना है जिसके सर पे बैनर लगा हो, और वो यहाँ पर हो रहे है भाई। भाई वेट, बेचारे ये मेरे को मारना तो चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आते हैं वो इस लावा में जल जाते हैं। ये मेरे को नीचे मत गिराना बस इस बारी। ठीक है, तो मुझे तब तक यहीं पर वेट करना होगा जब तक बैनर वाला पिलेजर यहाँ स्पॉन नहीं हो जाता है। तो मैं इनसे फुल मजे लेने वाला हूँ, इन्हें मार मार के। बाकी हाँ यहाँ पर एक गोलम भी था ना शायद, मैंने कहीं पर तो किसी केज में। ओ वेट, बैनर वाला स्पॉन हो रखा है, ये मेरे को दिखाई नहीं था उस टाइम। वेट, मैं सोच रहा हूँ कि नीचे वो जो गोलम था ना उसको खोल दूँ। और भाई इतने मारे थे और भी इतनी दोबारा जिंदा हो चुके हैं ये लो। तुम्हारे ऊपर मैं फिर से लावा की बारिश। रुक जाओ एक सेकंड, इनका बहुत हो गया। मेरी चेस्ट प्लेट दो जरा एक सेकंड के लिए, अभी मैं इनकी बैंड बजाता हूँ नीचे उतर के। पानी पानी वापस कर दो, रुक जाओ लावा डालो यहाँ, इनकी पूरी की पूरी आउटपोस्ट जलाएंगे। फटाफट से हम लोग चलते हैं नीचे। सबसे पहले तो ना मैं उस गोलम को खोल देता हूँ, अभी इन सबकी बैंड बजा डालेगा वो केला। हेलो गोलम 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 गोलम, जरा बाहर निकलना सर, ये आपको बुलाना चाह रहे हैं। गलती से मैं ही हिट ना कर दूं भाई गोलम को, मेरे भर देगा वो। आजा भाई आजा, ये मार रहे मेरे को भर इनके। आ गया। बाकी बैनर वाले एक नहीं दो दो स्पॉन हो चुके हैं, तो फटाफट से चल के मैं किसी एक को मार देता हूँ और फिर रेड हो जाएगी। रुक जा, इसको मेरे को मारना है। रुको, चल तेरी ऐसी की तरह, लेट्स गो। हमें रेड इफेक्ट मिल चुका है, कुछ ही देर में रेड होने वाली है। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना लड़ते रहो। ये सारे चढ़ गए भाई, कितने तीर मार रहे हैं। गोलम भी कह रहा है भाई दो मिनट रुक जाओ यार, पिट के जाना आराम से। जल्दी से पहन लिया जाए इलाइट्रा और फटाफट से भी निकलते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे कासल पे रेड होने वाली है इन सभी की। तो चलो गाइस अभी मैं अपनी कासल पे वापस आ चुका हूँ, बट अभी तक यहाँ पर कोई भी पिलेजर नहीं आया था। बढ़िया, अब रेड होने वाली है। डन, तो बार कंप्लीट हो चुका है और सायरन बज गए हैं, एंड साउंड मेरे को इस साइड से आया है, यानी सारे के सारे पिलेजर। ओ लेट्स गो, तो दो पिलेजर यहाँ पर आ गए। सर वेट, आराम से इनको लेकर चलता हूँ। दो हैं कितने हैं, ठीक है यहाँ पर तीन चार हैं। सब आ जाओ इधर है म्यूजियम, इनको पता है म्यूजियम में आना है, इनको सब पता। आ जाओ फटाफट से इन्हें लेकर चलते हैं। अभी बेचारे तब से परेशान हो रखे कि हमें म्यूजियम में बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। उसको देखो, उसको मतलब ही नहीं है भैया। इधर इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं नजर आ रही क्या। ओ रीलोड कर, अरे आराम से आओ यार, ऐसे मत करो। बाकी हाँ इनको अच्छा नहीं लगेगा तो रस्ते से फालतू के ब्लॉक्स भी साथ के साथ मैं हटा देता हूँ। और पिलेजर्स के लिए ये जगह बहुत, नहीं ये तो फैंटम की थी, सॉरी नहीं तेरी जगह नहीं गिर रहे हम। आ जाओ पिलेजर भाई, कोई बात नहीं, जूते वूते उतारने की जरूरत नहीं है, साफ ही है। ठीक है, फटाफट से ये वाला ब्लॉक हम लोग तोड़ते हैं और जल्दी से इनको अंदर लेकर चलते हैं। हेलो नेम टैग का है मेरा, ये रहा नेम टैग, इसके रख लेता हूँ। आ जाओ अंदर आ जाओ।
अरे अरे नहीं नहीं शर्माओ मत, आ जाओ भाई, आई नहीं रहे। अबे अबे तेरी भैंस की, आ जा। अरे यार ये क्या कर रहा है, मैं बाहर से चल के धक्का मार दूंगा फिर। अरे वाह उसने धक्का मार के, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक और मार, बहुत सही। लो भाई नेम टैग, नेम टैग और बाय बाय, अब यहीं पर बैठे रहो पूरी ज़िंदगी। ठीक है भाई, अभी अभी दो तीन और हैं, उनको भी इसी के अंदर लाके हम लोग भरने वाले हैं। बाकी यहाँ यार मार बहुत पड़ेगी, सब मारने वाले हैं हमें। हेलो प्लेजर, कहाँ चला गया? वेट, मैं दो को तो ले आया, बाकी दो पता नहीं जू वू घूमने लग गए भाई। उनको जगह इतनी पसंद आ गई, अपने यहाँ पर सैर करने लग गए वो। अंदर जाके किसी बकरी बकरी को मत मारने देना यार। अरे कहाँ चले गए यार, मैंने पूरा का पूरा जू चेक कर लिया पर प्लेजर। ओ ये रहे, इधर इधर भाई, उधर देखो पत्तियां सूंघ रहे हैं। बाकी हाँ इनको तो मैंने पकड़ लिया है, तो फिर इनको एक बैनर वाले को लेकर चलते हैं, वो बढ़िया है। बाकी तू इधर आ, इधर डरपोक भाग कर है। ओए मैं कूद के कैसे आ गया, निकल यहाँ से। और तू इधर आ, तू इधर आ, ये ले, इधर आ, इधर इधर ये ले। तो प्लेजर्स को मैंने मार दिया, ये है विंडिकेटर, ये भाई एक्स मारता है आयरन की, बहुत गंदा डैमेज देता है, तो इससे थोड़ा सा गैप बना के रखना है मुझे। फूड खा लेता हूँ मैंने, आ जा, ये बहुत तेज लेकर जाऊंगा मैं अंदर। अबे अबे ओए ओए ओए, घास तक टापनी नहीं आती क्या? हेलो ओ भाई, ओ इधर इधर, ए देखना भाई इग्नोर मार रहा है, नहीं लड़ना, डर लग रहा है ऐसी बता दे। हेलो ओ भाई, ऐसा पागल है क्या ये? बिल्कुल ही इधर हूँ। ओ भाई डर लग रहा है तो ऐसे बता दे, देख ले कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, डर लग रहा है तो सीधे बता दे तू। लग रहा है भाई, लग रहा है, हाँ कह रहा है बिल्कुल। तो फिर अभी क्या करना है, चलना अंदर? अबे यार भाई कैसा बंदा है, देख ले फिर कर रहे लड़ाई कर ले। ये ले इधर इधर लड़ाई कर लेते हैं, ये ले। अरे अबे तो बिल्कुल ही डरपोक, अरे फैंटम भाई तुम्हें पकड़ लिया मैंने एक को। नहीं नहीं अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उसको पाल के रखेंगे बढ़िया से। बाकी ज़ॉम्बी, ओ ज़ॉम्बी, रुक जा, इसके तो, अरे यार इसके बेटे को हमने पकड़ के बंद कर रखा है, इसको भी लेकर चल ही लेते हैं बेचारे। नहीं समझ आ रही ना, तुमने ले लिया तुम्हारे जैसे एक को, फिर आ जाओ आ जाओ, ज़ॉम्बीज को लेकर चलते हैं। प्लेजर अपना आते रहेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं, एक बार ही रेड हो गई है, आराम आराम से होल्ड करा के सबको उठाने वाला हूँ मैं। वैसे यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रेविजर को कैसे लेकर आऊंगा यार। वो सच में बहुत बेकार बंदा है, इतना ज्यादा डैमेज है ना उसका भाई, पूछो मत। बाकी आ जाओ तुम दोनों, आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा वाला ज़ॉम्बी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये छोटा वाला ज़ॉम्बी कहीं बाहर ना आ जाए। तो ठीक है नहीं आएगा बाहर, क्योंकि इस अंदर गया था भग के, तो फिर बाहर नहीं आना चाहिए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ओ वाह हड्डी लेकर आया, इसको तो नेम टैग देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है रुक जाओ, दो मिनट रुकिए जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ, नेम टैग, कोई बात नहीं, मारो मत मेरे को, खुद ही मर जाओगे तुम। गेले नेम टैग, तू भी ले ले, तू भी याद रखे। अभी फटाफट से ग्लास लगा, अरे बड़ा बदतमीज है यार ये, इसको वापस लेके चलना पड़ेगा। आ जा आ जा, तू इस रास्ते से आ, देखो दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा मैं, ये थोड़ा आ जा सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी मेरे को फटाफट से ना यहाँ से बाहर निकलना, बस तीनों को कैप्चर कर लिया है ज़ॉम्बीज में। तू बहुत तेज है, ये पिटा भाई ये बहुत तेज है, मैं सच में भूल गया था एक बार को, मैंने इधर का रास्ता खुला छोड़ दिया है। और अभी मेरे थॉन्स के डैमेज से, अरे मैं मर जाऊंगा, कसम से मर जाऊंगा, कसम, मर गया, बंद बच भाई, मैंने हेल्थ नहीं देखी, तीनों को तीनों मिलके मार रहे थे इतनी देर से। बट हाँ ज़ॉम्बीज़ की काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी हो गई। अभी भी एक जो पानी के अंदर रहने वाले ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, उन्हें कहते हैं मैं वो ड्राउन ज़ॉम्बीज़, और हस्क जो कि डेजर्ट वाले ज़ॉम्बीज़ होते हैं, तो उन्हें भी मुझे लेकर आना है। और मैं सोच रहा हूँ कि लगे हाथ ना यहाँ पर मैं ये जो रेल का ट्रैक है ना इसको बिछा दूँ, ताकि जिसके अंदर भी हमें मॉन्स्टर्स को भेजना हो हम लोग डायरेक्ट ट्रैक के थ्रू भेजते। बाकी यहाँ कारपेट मुझे हटाने पड़ेंगे, बट हाँ कारपेट थोड़ी देर में तुरंत लग जाएंगे। बट ठीक है, अभी एक प्लेजर रह गया था, सॉरी विंडिकेटर रह गया था, उसको लेकर आते हैं भाई। पता नहीं कि उसका मन नहीं कर रहा है, शायद वो समझ गया। वेट, ये ज़ॉम्बी को अंदर ले जाना चाहिए था भाई, कपड़े वपड़े पहन कर आया एकदम। ओके आ रहा है, चलो भाई चलो, बात समझ गया अभी वो। वेट, यहाँ पर ये चिकन वाला छोटा ज़ॉम्बी आया है, तेरे को अंदर ले जाना बहुत जरूरी है, रुक जा, इसको बहुत इजीली हम लोग अंदर ले जा सकते हैं। ये ले नेम टैग, मेरे को मार मत, अगर ये मेरे को मारेगा तो मर सकता है। अरे यार फैंटम्स बदतमीज बहुत हो गए हैं, निकल यहाँ से, बाहर नहीं जाना, चल अंदर। ओके, तो ये दोनों भी धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपने पूरे के पूरे आर्मर को उतार देता हूँ यार, एक तो इन्वेंट्री में ना बिल्कुल भी स्लॉट नहीं बचा है, चीज़ें फेंकनी पड़ रही है एक चीज़ रखने के लिए। इसको कहाँ पर लेकर जाऊँ, इसको जू में लेकर जाऊँ, मुर्गी है, या फिर इसको म्यूजियम में कहीं पर सजाऊँ? ठीक है, तो ये छोटे वाली जगह यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ, बाद में ना इसको दूसरी वाली साइड पर शिफ्ट कर देंगे। इधर आ जाओ, आ जाओ। अरे बहुत सही, ये तो बहुत प्यार से आ गए, आ जाओ। अरे बहुत बढ़िया हो गया, चलो अभी इसको कर लेते हैं बंद। ठीक है, यहीं पर बैठो आराम से। नहीं अरे मुर्गी कह रही मेरे को तो निकलने तो कम से कम। हाँ विंडिकेटर बच जा रहा भाई हर बारी, इसकी भैंस की, इस बार इसको नहीं छोड़ूंगा। ओ वेट, मैं यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज़ को खाली पीली पीट रहा था, पर अभी मुझे काम का बंदा दिखा,
जिसको अंदर ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है या फिर नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, बट ट्राई करते हैं। हेलो भाई, इस पे बैठोगे? अरे इस पे नहीं, अबे इस पे कहाँ से, इस पे बोर्ड पे, बोर्ड पे देख, चल चल उसके ऊपर चल, वो बैठ गया। वाह, ये तो बहुत प्यारा बंदा है, इसको आराम से ले जाएंगे, अभी बैठे रहने देते हैं, कल सुबह इसको ले जाऊंगा। अरे फैंटम भाई बहुत फायदा उठाते हैं मेरे आर्मर ना पहनने का, इसकी भैंस की टंग अब पिटाए, ऐसा तीर पड़ेगा ना अगली बार आया तो। बाय द वे मेरे आसपास ना काफी सारे क्रीपर्स स्पॉन हो रखे हैं और वो मेरे पास आ भी रहे हैं, और उधर एक विच भी आ गई है भाई। अरे भाई, अरे तू भग जाए ऐसे, सोच रहा हूँ क्रीपर को ले जाया जाए, बहुत डिफिकल्ट काम है। नहीं यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, लेकर चलते हैं। अरे अंदर ही आ जा, तू अंदर ही आ जा भाई, देखना इसको। तो एक जॉम्बी तो चुपचाप से आकर बैठ गया कि सर मुझे अंदर लेके चलो, मेरे को शोपीस बनना है। उसने अपने आप एक रॉटन फ्लैश भी हाथ में पकड़ लिया था कि नेम टैग ना देना पड़े, बट अभी मेरा मन नहीं है, मैं बस क्रीपर को अंदर लेकर जाना चाहता हूँ, और इसको मुझे एक प्यारी सी जगह देनी है। ये वाली जगह बहुत बेस्ट है, आते जाते हमेशा। अरे ओ भाई, ओए भैंस की शोर मचा रखा है इसने, रुक जा तू, निकल यहाँ से, कोई जगह नहीं है तेरी। हेलो क्रीपर भाई, इधर हूँ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत सही आ जाओ, इसको लेकर चलते हैं फटाफट से, आराम आराम से आ रहे हैं। मेरे को ना पहले अपने भागने का रास्ता बना लेना है, पता चला मैं भाग नहीं पा रहा हूँ एंड टाइम पे, और क्रीपर मुंह पे आके ब्लास्ट हो जाए तो ठीक है। मेरे को एक एक्स चाहिए, एक्स 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 का है, ओ वेट ये रही, तो यहाँ पर से मैं एक्स लगा देता हूँ। ये क्रीपर को मुझे यहाँ ला के बंद करना है, और तुरंत मैं इधर का रास्ता बंद कर दूंगा। ये ग्लासेस मैं, यार इन्वेंटरी स्लॉट्स मेरे पास ना, ये कुछ ग्लास हैं, इसको मैं उठा के ना एक काम करता हूँ, बाहर फेंक देता हूँ यहाँ से, और जब क्रीपर अंदर आएगा तो मैं इसको आराम से ले आऊँगा और वुड से रास्ता बंद कर दूंगा। हेलो आजा 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 आजा, पर बात तो सुनता है क्रीपर, आराम से, बिल्कुल ब्लास्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से चल, आजा आजा आजा। मैं चाहूँ तो ऊपर से भी नहीं ला सकता हूँ ट्रैप डोर के थ्रू, मेरे को यहाँ से भागना बस, ईजिली ईजिली। ओहो नहीं नहीं नहीं, बस हो गया क्या वही क्रीपर को लाने में थोड़ा सा डर था, क्योंकि ये फूटेगा तो चीज़ें खराब कर देगा, और अभी भी टेंशन लेने वाली बात है क्योंकि यहाँ से निकल सकता है, तो मुझे फटाफट से ये भी बंद करना है। हो गया, चलो ईजिली हमने इसे कैप्चर कर लिया है, क्रीपर को लाना ईजी था, कोई टेंशन नहीं। ओ वेट वेट वेट, मैंने उसे नेम टैग नहीं दिया, ठीक है कोई ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको मैं अपने पास बुलाकर नेम टैग देकर भाग सकता हूँ। क्रीपर इधर आएगा, वो इग्नोर मार रहा है, गिले बच गया भाई साहब, मुझको ये बंद करना है अभी अभी, आराम से, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको दूर से पहले पीछे 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 ये लगा के मैं तो भाग गया भाई, मैं हुई नहीं, मैं फूटी हूँ मैं, बस चलो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं, अब मैं इसको एकदम चिपक के भी देख सकता हूँ। हेलो, अभी ये कुछ नहीं कहने वाला मेरे को, लेट्स गो। हाँ तो रात खत्म हो चुकी है, सारे के सारे फालतू के मॉन्स्टर्स अब मर जाएंगे, अभी बचा है एंडरमैन जिसको मैंने बाहर कैप्चर कर रखा है, और बचा है विंडिकेटर। ओह एंडरमैन, हाँ वो बैठा है, टेंशन नहीं। ओके तो अभी अपनी हेल्थ फुल हो चुकी है, और मुझे इस विंडिकेटर को रात होने से पहले अंदर लेकर जाना है। हेलो सर, आ जाओ, प्यार से आना, कोई मारने वालने वाली बात नहीं है, आ जाओ। अरे बहुत सही, अभी ये मेरी बात अच्छे से सुन रहा है, एक आध हिट मार दे चलेगा, बट ज़्यादा हिट मत मारियो भाई, क्योंकि इसके पास ये जो एक्स है ना, ये बहुत गंदा डैमेज देगी। ओके तो बहुत तेज स्पीड में ये भागता हुआ आ रहा है, एंड आई थिंक इस बारी मुझे लग रहा है कि मैं पूरे बिल्कुल ही पीछे था, हाँ तो मुझे इस बारी पूरा पक्का लग रहा है मैं इसको ले जाकर कैप्चर कर सकता हूँ, बट मेरा मन नहीं है इसको। वेट, मेरे पास आइडिया है, इसको इसी वाले डब्बे में लेकर चलेंगे, बट उससे पहले मैंने इसको ऊपर ले जाऊंगा, थोड़ा भाग कर चलते हैं, ये भाई बहुत है जिस पर, अरे अरे मार देगा ये तो, ऐसा लग रहा है आज मार ही डालेगा। हाँ तो मेरा प्लान ये है कि जहाँ पर बाकी पिलेजर्स हैं मैं इसको वहीं पर लेकर जाऊँ, तो सबसे पहले मुझे जाकर ना इस वाले जगह पर एक गड्ढा करना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं इसे गड्ढा कर दूंगा, और यहीं पर हो ना तुम लोग, वेट, हाँ आवाज़ तो कर रहे हैं हम लोग यहीं पर हैं, वेट मैं देख लेता हूँ, हाँ परफेक्ट यहीं पर है जहाँ पर मैंने होल करा है। अभी ना फटाफट यहाँ पर मैं एक ट्रैप डोर लगा देता हूँ, दो तोड़ देता हूँ, इधर दो ट्रैप डोर लगाएंगे, मतलब विंडिकेटर को लगेगा यहाँ पर कुछ ब्लॉक है, बट असलियत में यहाँ पर ब्लॉक नहीं होगा और वो नीचे गिर जाएगा, तो उसको लेकर आते हैं अभी जल्दी से। हेलो विंडी भाई, हेलो इधर इधर, एक तो उसका समझ नहीं आता कभी लड़ने का मूड होता है कभी नहीं होता। हाँ जी हाँ जी, अभी अभी है, अभी फुल दिन के टाइम पे फुल चार्ज रहता है भैया। आ जाओ सर, आ जाओ, इसको बिल्कुल प्यार से लेकर जाना है मेरे को, इधर से घूम के आना, ठीक है, देख इसके ऊपर से आना, समझ रहा बात को, आ जा। अरे नीचे कैसे नहीं गया, ये नीचे कैसे नहीं गया यार, ये गलत बात है, देख ले इतनी मेहनत से मैंने ट्रैप बनाया था, इसने बेइज्जती कर दी पूरी पूरी ट्रैप की। वेट मैं थोड़ा सा घूम के जाना चाहिए अभी, एक तो अभी पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा, मैं सोच रहा हूँ एक आध ब्लॉक ना पहले यहाँ पर और तोड़ दूँ, ताकि ये सचमुच में इस बारी गिर जाए नीचे अगर। अरे अरे ये पागल हो गए भाई, ठीक है तो यहाँ पर मैं ट्रैप डोर लगाता हूँ और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और अभी इसे दोबारा से लेकर आते हैं। ओए हेलो इधर इधर, है लड़ने का मूड, हेलो इधर, अरे आगा इसका थोड़ा सा दिमाग कमजोर है भाई, मेरे को लग रहा है कभी कभार ही इसका लड़ने का मन रहता, कभी कभी अरे भाई सब झट भाई तो जा ही नहीं रहा भाई, इसकी आई क्यू बहुत अच्छी खासी है यार। वेट यहाँ से तेरे को आना इधर, देख इधर
नाइस, गया। लेट्स गो। अभी रिवेजर भी लेकर आ रहा हूँ, वेट करो, इसको इसको बंद कर देता हूँ अभी टेम्परेरी ना। मैं सब में यही बनाते हैं यार, इजीली आएंगे सारे मॉब्स। ओके, तो एक बार नीचे उतर के देखता हूँ आखिरकार नजारा कैसा है। ओ, ये खोल किसने रखा है? मेरे को उसे नेम टैग भी देना है ना। देख भाई, एक मिनट रुक जा भाई, तीर वीर चला रही, उसको नेम टैग देना है। समझ नहीं आ रही इतनी सी बात तेरे को, है नहीं आ रही ना? ऐसे ना घूम के जाता हूँ, ऊपर से जाकर नेम टैग दूंगा इसको, प्यार से नेम टैग देंगे एकदम। इसको करते हैं ओपन, और ये ले नेम टैग। नहीं लेगा? अरे नहीं लेगा, इतनी ऊंचाई से कह रहा नहीं लूंगा भाई। क्या गले मिल के दूंगा भाई यार, मार मार के। एक तो इन्होंने मेरी हेल्थ पूरी खत्म कर डाली है, यहाँ पर जाऊंगा फैंटम मारेगा। वेट, पहले खाना खाओ, पहले खाना खाना जरूरी है। तो एक आइडिया यही है कि मैं यहाँ से खोल के इसको नेम टैग दे दूं। डन है, हो गया। अभी उस पर नेम टैग गया ना, चेक कर लो। परफेक्ट, चलो अभी अपने पास काफी सारे मॉन्स्टर्स हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट रेड होने वाली है, मेरे को वापस जाना है विलेज पे, बट वहां पर जाने से पहले ना थोड़ा फूड इकट्ठा कर लेते हैं। फूड 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 प्लीज। वेट, मेरे पास जो चेस्ट में पड़ा हुआ है ना अपने कासल में, वही लेकर आता हूँ जल्दी से। वैसे गाइस, अभी ना मैं एक चीज सोच रहा था, मतलब जब भी कभी रेड होती है और जब तक हम लोग सारे मॉन्स्टर्स को नहीं मार देते, तब तक नए मॉन्स्टर्स नहीं स्पॉन होते। और यही मैं सोच रहा था कि मुझे जिनको मैंने बंद करा है उन्हें मारना पड़ेगा, बट तभी मैंने देखा यहाँ पर तो स्पॉन हो गए हैं ऑलरेडी, ऊपर 3 से 4 नए नए पिलेजर्स आ गए हैं, और अभी मुझे इन्हें चल के मारना होगा। कुछ मैं तो इन्हें ट्रैप कर चुका हूँ ना, मुझे बस अगर अभी चाहिए तो वो है विच, तो विच को छोड़ना है, बाकी सबको मार देना है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया, शायद वो विलेज से दूर चले गए हैं इसलिए भी होता होगा, क्या पता। बट अभी यहाँ पर, अरे जल के मर रहे हैं क्या ये लोग? मेरे कासल के ऊपर स्पॉन हो गए हैं शायद, और जल जल के मर रहे हैं क्या? वेट, ओह नाइस, तो ये लोग कासल के ऊपर ही आए हुए हैं जैसा कि मैंने सोचा था। ओ मैं गलत जगह आ गया हूँ, फिलहाल इधर नहीं थे वो, तो वो है कासल के यहाँ पर, और अभी मुझे फटाफट से इन्हें मारना है। बाकी पहले इसको मारो, पीछे हो, पीछे निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, बाय बाय ब्रो। सारे के सारे दोबारा से मर गए, और अब तीसरी रेड होने वाली है, और इस वाली रेड के अंदर विच एंड रिवेजर्स के आने के चांसेस हैं। और रिवेजर के लिए मुझे एक तो बोट उसके लिए रखनी है, बट बोट के थ्रू भी मैं उसे नहीं ले जा सकता। मेरे को माइनकार्ट के ऊपर मैं बोट रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे को आता है। बढ़िया, अब नेक्स्ट रेड हो चुकी है, इधर से सायरन बजा है, यानी ओ वेट, इस टाइम पे विच मेरा मेन टारगेट है, विच एंड रिवेजर। तो बाकी सारे जितने हैं इन सबको मैं फटाफट से मार देता हूँ। इस वॉल पे चले जाता हूँ, ये वॉल मैंने बनाई इसलिए थी कासल में, ताकि कभी भी कोई खतरनाक अटैक हो मुझे कोई दिक्कत ना आए। मतलब ये ऐसी जगह है यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, बस मुझे इनको पीटना है। और इसको क्या होगा भाई, लट्टू बन गए तो भाई, ये क्या हो रहा है इसको? ठीक है, इसको छोड़कर मुझे सबको मारना है, तो मैं फटाफट से मारना स्टार्ट करता हूँ। बेचारे ने पत्तियां पहली बार देखी होगी, देख के खुश हो गए, देखो वाह। अबे हमारे म्यूजियम में चल ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगे अभी, तुरंत इसको माइनक्राफ्ट के सारे मॉन्स्टर से मिलाएंगे। और ये कैसी सी रेड हुई है, ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, एक मुर्गी को मार रहा है, कुछ भी हो रहा है भाई। वो देखो उसके पोशन फेंक के मार दे, डर के भाग रहा है। अरे 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 विलेजर के लग जाएगी, इधर से हट जा। अरे वाह, दो तो नीचे खड़े हुए, इनको क्यों नहीं मार रहा हूं मैं? चलो, तो सभी को मैंने निपटा दिया। और ये विच को क्यों लाए हो यार रेड में तुम लोग, इन्हीं को मार दिया उसने। बाकी यहाँ सारा काम हो चुका है, बारी है रिवेजर की, और रिवेजर को ले जाना इतना इजी नहीं है। मेरा प्लान यही है कि मैंने उसको एकदम टॉप पे लेके चलता हूँ, और ट्रैप डोर ना एक एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि मैं इसे नीचे गिरा पाऊँ। सेम विच को भी मैं ऐसे लेकर जाने वाला हूँ, तो फटाफट से चलते हैं अंदर। वैसे ये डिस्पॉन नहीं होने वाले, ये डिस्पॉन होने वाले मॉब नहीं है यार, अगर मैं इनको नेम टैग ना भी दूं तो भी काम चल जाएगा, बट हाँ मैं नेम टैग फिर भी दूंगा। तो देखो अभी ना मेरा रिवेजर को लाने का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं उसे अपने पीछे कुछ इस तरीके से भगाते हुए लाऊंगा, और थोड़ा तेज भागने के लिए मेरे पास इलाइटर आएगा ताकि मैं जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाऊँ। बाकी यहाँ प्लानिंग कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ना सबसे पहले मैं इस एरिया को तोड़ देता हूँ, ताकि वो यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिर जाए। थोड़ा सा बड़ा होता है वो साइज में, तो मैं कुछ ज्यादा ब्लॉक्स उसके लिए तोड़ दे रहा हूँ। अरे तुम्हारे मैं थप्पड़ थप्पड़ मारूंगा भाई, सब जब से देख रहा हूँ बजाए जा रहे हैं तीर। तो अभी ना मैं सारे के सारे ट्रैप डोर तोड़ के कलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे इनको लगाना है बस बॉर्डर पे, क्योंकि हमें बस बॉर्डर से मतलब है, वो कहीं से भी आके गिरे अपना काम हो जाएगा। मुझे बस ट्रैप डोर यहाँ पे लगाने हैं, और फटाफट से सभी ट्रैप डोर को लगाकर मुझे ओपन कर देना है। डन, सब कुछ ओके है। अगर अभी रिवेजर आता है तो वो इस एरिया में गिर सकता है, बारी उसको लेकर आने की। फूड रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस मेरे को गिरना नहीं है भाई, मतलब उसके आगे नहीं जाना, वरना उसका डैमेज हद से ज्यादा भाई, गोलेम वाला डैमेज है, आधी हेल्थ ले जाएगा वो। मतलब मैं इतना डर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने चेस्ट प्लेट नहीं पहनी हुई है ना, वरना चेस्ट प्लेट पहन लूँ तो कुत्ता बना दूंगा मैं उसका। तो यहीं पर था वो रिवेजर, अरे कहाँ चले गए विच और रिवेजर? यहीं पर थी वो, देखो अरे रिवेजर मार रही है ये विच। हेलो विच, अरे 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 बड़े बड़े गुस्से में आ रहा भाई ये बहुत। अरे 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 कोई बात नहीं, आ जा पहले इसको तो बहुत इजीली ले जाऊंगा, आने दो बस इसको, लेट्स गो। जिस मॉन्स्टर की मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी वो तो बहुत प्यार से आ रहा है, जल्दी। जिस हिसाब से ये आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे ले जाकर ट्रैप कर सकता हूँ। नेम टैग बाद में दे देंगे, पहले इसको अंदर ले जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। आ जा, सीढ़ी सामने बहुत सही म्यूजियम बना रखा है मैंने, देख के मजा आ जाएगा। वो बहुत तेज स्पीड बढ़ा ली इसने, यहाँ से मैं सीढ़ी चढ़ जाता हूँ, शायद ये सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा बहुत स्लो हो। नहीं यार, ये किसी चीज में स्लो नहीं है, लुक वाइज ना भाई सचमुच में वार्डन जैसा लगता है, उतना ही थोड़ा सनकी सा, उतना ही पावरफुल,
और ऐसा लगता है कि भाई अगर आ गया तो मार ही डालेगा। चलने का साउंड भी काफी हैवी वेटेड है भाई इसका, बाकी यहाँ से नीचे चले जाए तो अपना काम हो जाएगा वरना दिक्कत हो सकती है। प्लीज यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ओ ओ बदतमीज़ हो भाई, वेट 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 भागना, ओ वेट मैं भाग गया सही टाइम पर, ये गया क्यों नहीं वहाँ से नीचे, एक मिनट रुक जाओ मेरे को थोड़ा थोड़ा अभी भी तमीज से ले जाना हो वैसे। तो अभी मैंने रेवेंजर को स्ट्रैप में डालने के लिए काफी अच्छा खासा एरिया बना लिया है एंड शायद इस बार ये चले जाएगा। बट अबे ये कहाँ चला गया, यही पर तो था अभी, कहीं वो उस साइड तो नहीं गिर गया या फिर सीढ़ी से उतर के भाई वेट ये सीढ़ी से उतर के बाहर तो नहीं गया, बट ये बिना सीढ़ी के मेरे को मारना चाह रहे थे, पहले ऊपर तो आ जाओ। ओ भाई इधर इधर से रास्ता इधर आओ इसको सच मुझ में कुछ भी नहीं मालूम, शायद अभी मुझे इसको ऊपर लेकर आना होगा। भाई साहब इधर 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 से सीढ़ियां, आपको ट्रैप में भी तो फंसाना, जल्दी आ जाओ, बस मारना मत अभी। ओरे ये अलग ही रास्ते से सीढ़ियां बनाता हुआ मेरे को मारने के लिए पीछे पीछे आ रहा है। खैर ठीक है अभी फटाफट से मैं इसे इजीली लेकर जा सकता हूं, बस इस बारी ये इस ट्रैप में गिर जाए, नीचे मत गिरियो, नाइस 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 नाइस, नीचे नहीं गिरा, शायद इस ट्रैप में जरूर गिरेगा, मुझे भाग कर जाना है दूसरी वाली साइड पर, बस ये डायरेक्ट आ जाए, लेट्स गो, आजा 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 आजा, नाइस, मैंने इसे ट्रैप में बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर, नहीं 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 अभी अभी सब ओके है, मैं आराम से यहाँ पर लाकर वापस से वुड लगा दूंगा क्योंकि इधर ना कुछ अलग तरीके से वुड लगती है, आपने देखा होगा मैंने इसे ना प्रॉपर रोटेट कर करके लगाया नीचे एक ब्लॉक लगा के, तो यहाँ पर मैं आराम से वुड लगाऊंगा। फिलहाल अभी रेवेजर ट्रैप में जा चुका है तो मैं बस इसे बंद कर देता हूँ, मेरा काम हो गया, बस एक विच है उसको भी मुझे यहाँ पर लेकर आना चाहिए और विच भी शायद से भी बाहर घूम रही होगी, तो फट बाहर घूम रही होगी, ये तो यहाँ पर बैठी, अरे भैंस की इफेक्ट मार दिया इसने, चलो कोई नहीं मेरी एट द एंड हेल्थ जो है वो खत्म नहीं होने वाली है, मैं आधी एचपी पे फिर भी बच जाऊंगा और इसने खुद को भी ले लेगा इफेक्ट, पागल है ये। वेट यार पहले तो ना मैं इसको इस बोर्ड से उतारूं, आजा मेरे पीछे पीछे आ। यार इसने ना मुझे ये पॉइजन इफेक्ट दी दी है, मेरी एचपी जो है हाफ हार्ट पे जाके रुकेगी, बाकी मेरे को ना फूड खाते रहना है, अरे रुक जा यार बस कर मैं मर जाऊंगा वरना। वेट अभी मैंने फूड खा लिया, यहाँ पर ना नीचे कुछ बस ये जो पिलेजर वगैरह है ना ये मेरे को तीर ना मार दे, इधर आ जाओ सर इधर इधर इधर, इसको बंद कर देता हूँ मैं ट्रैप को सभी, ये बस इस ट्रैप में आकर गिर जाए बस प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आजा 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 मैं आके जा रहा हूँ, आजा आजा नाइस, इसको भी मैं इजिली अंदर ले जाके बंद कर दिया। अभी सारे उसको मैंने नेम टैग नहीं दिया और ना ही मैंने रेवेंजर को नेम टैग दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होने वाला है अभी, बस रेवेंजर को अगर मैं ऊपर से दे दूं ना तो अपना काम हो जाएगा, बट नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। वैसे यार ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, मैं नीचे चल के भी इन्हें नेम टैग दे सकता हूँ, मान लो विच के लिए मैंने ये वाला ब्लॉक तोड़ा और यहाँ से इसको मैंने नेम टैग दे दिया, डन है इसका नेम टैग, ये वाले ग्लास को भी मैं तोड़ कर रेवेंजर को नेम टैग देना है ना मुझे, ये लो सर, अरे अरे उसको मत मारो, फटाफट से यहाँ से हटके, अरे नेम टैग देने दे यार, विच बहुत बदतमीज है, मैं जब भी रेवेंजर को नेम टैग देने जा रहा हूँ भाग कर, ये अरे उसको नेम टैग, लेट्स गो हो गया, अरे फूड क्यों ले रखा मैंने आज में नेम टैग था यार जी, अभी शायद से हो जाएगा, हो गया हो गया, शायद से उसको नेम टैग जा चुका है, लेट्स गो सब पे नेम टैग हो गया, फटाफट से यहाँ पर ग्लास लगाते हैं, सारे के सारे रेड मॉब्स मैंने एक ही केज के अंदर पैक कर दिए हैं, अभी फैंटम हो चुका है, चार पांच रेड वाले मॉब्स हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे बंदे बचे हुए हैं। वेट मैं यहाँ पर चिकन के साथ ज़ॉम्बी लाया था और अभी एक प्रॉब्लम हो गई, मेरे को चिकन को भी शायद नेम टैग देना चाहिए था, वो भी यहाँ से जा चुके हैं, सर आ जाओ बाहर अभी आपका कोई भी काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है तो निकल लो फटाफट से। ओके तो रेड के सारे मॉब इकट्ठे हो चुके हैं, क्रीपर वगैरह सबको यहाँ पर आ गए हैं और अब बचे हैं खतरनाक मॉन्स्टर्स जो कि मेरे को मिलने वाले हैं नेदर में। वेट अपने ये भाई साहब तो बचे गए और मैंने अभी इसको ट्रिगर कर दिया है जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझे इससे पंगे नहीं लेने चाहिए थे, रुक जा टेंशन मत ले ले, नेम टैग ले पहले तू, ये भी मेरे को मारने वाला है बहुत बुरी तरह। तो अभी ना मैंने गेम को रीजॉइन कर लिया है क्योंकि इसका सॉल्यूशन यही है, अगर आप लोग किसी भी मॉब को ट्रिगर कर दो तो गेम को रीजॉइन कर लो वो वापस से शांत हो जाता है, बाकी अभी मैं इसको लेकर तो चल रहा हूँ शांति से प्यार से मेरे साथ साथ चल रहा है, बस बीच रास्ते में अगर अचानक से गुस्सा हुआ ना तो मुझे बोट छोड़ के भागना पड़ सकता है। बाकी गाइस मैंने ना एक प्रॉब्लम कर दी, मुझे इसको ऐसे नीचे नहीं उतारना चाहिए था, अभी ये जो बोट है ना मैं इसको ऊपर ही नहीं लेकर जा सकता हूँ, मुझे एक पिस्टन बनाना पड़ेगा क्योंकि सच में बहुत बेकार बात है यार। तो अभी मैं इसको आगे ले जाने के लिए एक पिस्टन लेकर आ चुका हूँ क्योंकि इसके बिना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर ये ब्लॉक हटाना होगा ताकि मैं यहाँ पर पिस्टन रख पाऊँ और ये नीचे वाला ब्लॉक भी मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस पर पिस्टन रखते हैं और मुझे इसे करंट देने के लिए यहाँ पर एक लीवर लगाना है, पहले टेस्ट करते काम कर रहा है परफेक्ट। अभी बैठ कर चल के देखते हैं बोट पे कि क्या मैं इसके थ्रू अंदर जा सकता हूँ। वेट वेट वेट
ये पिस्टन दबाने के लिए पहले तुमको उतरना है। तू बैठे रहे भाई, मैं तेरे अंदर ले जाने का जुगाड़ तक कर रहा हूँ। परफेक्ट, अभी मैं पिस्टन से इसे ऊपर लेकर आ चुका हूँ। इस पिस्टन को ना यहीं पर लगे रहने देते हैं, इसकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है। अगर किसी भी मॉन्स्टर को लाना होगा तो फिर मेरे पास बस एक यही तरीका है। चलो, म्यूजियम में नया मेहमान आ चुका है, एंडरमैन। वैसे सब लोग डर रहे होंगे भाई, क्योंकि एंडरमैन बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है यार गेम में। एंडरमैन को ना किसी बढ़िया सी शेल में लेकर चलते हैं, मतलब बहुत सारे शेल्स हैं यहाँ पर, तो बट मेरा प्लान है किसी अच्छी शेल में से लेकर जाना चाहिए। मुझे अभी ना यहाँ पर से काफी सारे ग्लास हटाने होंगे एंडरमैन को अंदर ले जाने के लिए। सारे ग्लास कलेक्ट कर लेता हूँ और अभी मुझे यहाँ पर एक पिस्टन लाके लगाना है और एंडरमैन को यहाँ तक चला लाना सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। इतनी मेहनत से मैंने कारपेट लगाए थे बट सारे हटाने पड़ रहे हैं। पहले मुझे सबको अंदर ले आना चाहिए था, फिर जगह सजानी चाहिए थी। तो ये रहा पिस्टन, यहां से मैं पिस्टन एंड लीवर ये दोनों कैरी कर लेता हूं। और वाओ मेरी पिकैक्स, बहुत सही बहुत सही। इतने नहीं भाई, बदतमीज है यार, एक रिपर कसम से अचानक से आ गया यार। इसने इतना बढ़िया वाला दरवाजा तोड़ा है ना, बहुत दुख हो रहा है मुझे, बट कोई नहीं, रिपेयर कर देता हूँ मैं। और एंडरमैन क्या हो गया भाई, तेरे को ग्रास ब्लॉक रख क्यों दिया तूने, अलग ही मजे में। लेट्स गो, तो एंडरमैन को मैं लेकर आ चुका हूँ। फटाफट से वाला ब्लॉक यहाँ से हटाकर यहाँ पर मेरे को रखना है पिस्टन, पिस्टन के बगल लीवर। चलो सर आ जाओ, इस पिस्टन पे बैठो, मैं आपकी बोर्ड करवा देता हूँ लीवर से अंदर। चलो भाई, एंडरमैन हम लोग यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। और हाँ गाइस, एक चीज, मैं एंडरमैन को इस बोर्ड से हटा नहीं सकता, बेचारे को अपनी लाइफ टाइम इस बोर्ड पे बैठे रहना पड़ेगा। इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद ही टेलीपोर्ट होकर बाहर निकलेगा तो यार अपने म्यूजियम की क्या इज्जत रह जाएगी, तो इसलिए सॉरी एंडरमैन। तो ठीक है, फटाफट से एरिया को रिपेयर करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बाकी कुछ ये स्टोन्स मैंने लिए थे, ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जितना भी एरिया मैं खराब कर रहा हूँ मुझे साथ के साथ ठीक भी करना है बाद में। अब गाइज, ये शायद से रेड का लास्ट पार्ट चल रहा है और इसके बाद यहाँ पर इवोकर आने वाला है। मैं फटाफट से इनको निपटा देता हूँ क्योंकि उसके बाद अपने मजे आने वाले हैं असली। बाकी हाँ, ये बहुत ज्यादा मार पिटाई करने वाले हैं, तो मैं ऊपर चल के बैठ जाता हूँ और अभी इनको पीटता हूँ अच्छे से। हाँ भाई, कौन फालतू बोल रहा था, तेरी ऐसी की तैसी। चलो, तो सारे के सारे पिलेजर विंडिकेटर विचेस मैंने सबको मार दिया है एंड आई थिंक अभी इवोकर यहाँ पर आने वाला है। मेरे को आवाज तो आ रही है अभी भी और की। ओह, तो ये भाई सब जी यहाँ पर बैठे हैं, रुको जरा वेट। गिल्ले भाई, क्या मारा है इसके शॉट। तो सभी विचेस को मैंने मार दिया है, बस लास्ट वाली रेड हो जाए जिसमें इवोकर आता है। पता नहीं होगी नहीं होगी, बड़ी अजीब सी रेड हुई है, क्रैश रेड थी शायद ये। मतलब सारे मॉन्स्टर्स मारने से पहले ही अगले मॉन्स्टर्स आने लग गए, कुछ समझ नहीं आया मेरे को खास। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी इवोकर आने वाला है, तो शायद मुझे अभी बाकी मॉब्स को लेने के लिए चलना चाहिए। मैं अभी जाने वाला हूँ डेजर्ट, वहां से ना हस्क को लेकर आता है, जो डेजर्ट का ज़ॉम्बी होता है, उसे लाना बहुत ईजी रहेगा। जल्दी से चलते हैं, बस मैं सोच रहा हूँ ना कि वहां पर जाने से पहले एक आयरन आर्मर बना लूँ या फिर डायमंड आर्मर बना लूँ, क्योंकि मैं उसे अपने साथ बोट पे बैठा के लाने वाला हूँ और बोट पे बैठ के मुझे मारेगा और मेरे सब आर्मर में थॉर्न्स लगा हुआ है, तो उसको भी डैमेज मिलेगा और वो खाली भी नहीं मर जाएगा, तो इसलिए फटाफट से एक डायमंड आर्मर बना के लेकर चलते हैं। ओके, तो ये मैं पहुंच चुका हूँ डेजर्ट में, बट अभी तक मुझे कोई भी हस्क नजर नहीं। ओ वेट, ये तो रहा हस्क, यही है डेजर्ट ज़ॉम्बी। फटाफट से लेकर चलते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स एंड क्रीपर्स हैं, पहले मुझे इनसे निपटना होगा। वेट, हेलो, निकाल यहाँ से, इनकी हेल्थ बहुत कम होती है, बेचारे मेरे एक ही तीर में ढेर हो जाते हैं। और सर आप आ जाओ, आपके लिए बोट है, जल्दी से इसमें आकर बैठो। नाइस, ये बहुत बढ़िया बंदा है, अभी जल्दी से इसे लेकर चलते हैं। वेट, पूरा कितना गंदा डैमेज दे रहा है। वेट, अच्छा मैंने चेस्ट प्लेट नहीं पहनी थी, बट यार फिर भी अगर इस तरीके से मारेगा तो मैं इसे कैसे ले जाऊंगा तो समझ नहीं आ रहा। वेट, अब देख मैं चुपचाप से बैठ रहा हूँ, तो पंगे वंगे मत ले, आराम से चलते हैं दोनों। अभी हाँ, अभी मेरे को हाफ हाफ हार्ट डैमेज दे रहा है, मुझे फटाफट से इसे लेकर जाना होगा। और फूड खाते रहूंगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। ओ मत मार इतना भाई, खाने दे फूड, मार डालेगा भाई, ये मार डालेगा, इफेक्ट दे रहा है हंगर का। वैसे घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक बारी लैंड तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं इसे उतार के ही चलने वाला हूँ। और मैं सच में हाफ हार्ट, भागो रुक जाओ भाई, अरे वापस नहीं बैठना, रुक जाओ, आराम से, मेरी हेल्थ बढ़ने दो, तू बेटा घर चल, इतना मारूंगा ना तेरे को मैं। ओके, तो अभी वापस से बैठते हैं बोट पे और रास्ता कंटिन्यू करते हैं। अच्छी बात तो ये है कि हमारे घर से डेजर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, वरना मुझे नहीं मालूम भाई मैं इसे कैसे लेकर आता। वैसे हाँ, हम लोग इसे नेदर पोर्टल के थ्रू ले ही आते हैं इजिली, मतलब अगर इस तरीके से डैमेज नहीं खाना तो सीधी सी बात है भाई, रास्ते के थ्रू लाओ इसे। ओए ओए, रुक जाओ, मार देगा। लेट्स गो, तो अभी मैं इस हस्क को अपने म्यूजियम तक लेकर आ चुका हूँ। और ये देख रहे हो, मैंने बोट तोड़ी थी, इसने बोट मेरी उठा ली, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हमारे म्यूजियम तक आ गया, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अभी फटाफट से इसे लेकर चलते हैं अंदर, यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देता हूँ। आ जाओ सर, स्वागत है आपका, जल्दी से एंटर करो अपने इस खटिया से केज में। वैसे खटिया नहीं यार, बहुत प्रीमियम है ये वाला नेम टैग, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। ये हमेशा बोट पकड़े रह गया यार हाथ में, चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है। ओके, तो भी ये फैंटम हो चुका है, स्केलेटन्स हो चुके हैं, क्रीपर हो चुका है, ज़ॉम्बीज हो चुके हैं, एंडरमैन हो चुका है और वहाँ पर हस्क हो गया है। इधर रेड के बहुत सारे मॉन्स्टर्स
हैं जैसे रिवेजर, विच, विंडिकेटर एंड इवोकर रह गया यार। इवोकर पता नहीं कहाँ चला गया, गायब होगा, उसे ले आएंगे बाद में। फिलहाल अभी यहाँ पर ये अपनी स्पाइडर भी हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपने माइनक्राफ्ट के म्यूजियम में काफी सारे मॉन्स्टर्स को लेकर आ चुका हूँ, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। मुझे मालूम है काफी सारे मॉन्स्टर्स अभी बचे हैं, मेनली बॉसेस बचे हुए हैं, एंडर ड्रैगन, विदर, वार्डन, इवोकर एंड रिवॉर्डियन। तो मेरा प्लान किया है कि इन बाकी सभी बचे कुछ मॉन्स्टर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं, और बहुत सारे नए नए रेयर आइटम्स भी हैं जिसे हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 6 लाख लाइक के लिए, तो जाओ यार जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। वैसे गाइस मेरा तो पूरा प्लान यही था कि मैं इसी वीडियो के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को कैप्चर करूं, बट स्टार्टिंग में हमने म्यूजियम बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। वैसे वेस्ट नहीं था, म्यूजियम काफी अच्छा बना है। तो हाँ, कहीं ना कहीं जो भी हुआ मस्त हुआ। बाकी मॉन्स्टर्स को हम लोग कैप्चर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जाओ यार जल्दी से कमेंट्स करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।